प्रेज लॉर्ड, प्रभु के नाम की तारीफ उस प्यारे वक्त के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम प्रभु के चरणों में आके बैठ सकें। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस शाम के समय आपने फजल दिया प्रभु कि आपकी उपस्थिति में आ सकें। प्रभु आपका धन्यवाद करें, प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी बड़ाई करें खुदावन, केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह आप हैं खुदावन, जो सब चीज में खुदावन अव्वल है प्रभु। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि खुदावन वो हेडशिप आज इस युग में बादल के रूप में उतर के आया खुदावन, ताकि अपनी दुल्हन के साथ जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो तमाम कुव्वतें और ताकतें खुदावन जो आपके पास पाई जाती है प्रभु, वो दुल्हन तक स्थानांतरित हो सके खुदावन। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये दे चार्ज हो सके प्रभु। कोई रिवाइवल आपके बगैर है नहीं प्रभु, कोई भी रिवाइवल उस सर के बगैर है नहीं खुदावन। जैसे खुदावन हम योएल, जैसे हम एजिकेल में पाते हैं प्रभु कि उसमें नसें आ गई प्रभु, नाड़ियां आ गई प्रभु, मांस चढ़ गया, खाल आ गई प्रभु, लेकिन वो देह अभी भी शिथिल पाई जाती थी खुदावन, जब तक एक और प्रोफेसी नहीं आती प्रभु। और खुदावन जब वो एक और प्रोफेसी बोली गई प्रभु, जिसके मार्फत खुदावन आपका थियोन्यूस्टास खुदावन नथों में फूका गया प्रभु, और वहां पर वो सेना एक माइटी मार्चिंग आर्मी बन जाती है प्रभु। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं खुदावन। और आगे उस अध्याय में प्रभु उस दर्शन का अर्थ समझाया जा रहा है प्रभु कि ये इज़राइल की बड़ी सेना है, लेकिन मैं अब जानता हूं खुदावन एक आत्मिक इज़राइल भी है खुदावन, जिसको कि उसका लैंड दिया जा रहा है प्रभु, जो अपनी थियोफनी तक पहुंच रही है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस आमद के लिए खुदावन। और कैसे संडे को हमारे अजीज पास्टर बोल रहे थे खुदावन कि इस बादल के विषय में बड़ी हैरानी होती है, अधिकतम लोग बातचीत नहीं करते, लेकिन आज एक कलीसिया है खुदावन जो आपको इस बादल में रिकॉग्नाइज करती है खुदावन, जो जानती है सामत को खुदावन। ये सात दूतों ने मिलकर आपका विग बनाया प्रभु, एक श्वेत विग खुदावन, एक सवारी है प्रभु, जिस सवारी में होकर आप आ रहे हैं खुदावन, और आप आए हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और इस सवारी में प्रभु आपके साथ कुछ लोग और हैं खुदावन जो कि शामिल हुए हैं प्रभु यीशु मसीह अपने निजी श्वेत घोड़ों पे खुदावन, ताकि शैतान और उसकी सेना का मुकाबला डट के कर सके प्रभु। कैसे गीत में लिखा है, माना है चार घोड़े लेकिन जानदार कहां है थोड़े। ओ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आज एक समस्त सेना है प्रभु जो तैयार है खुदावन इन जोल के कीड़ों से लड़ने के लिए प्रभु। और जैसे खुदावन हमने सुना प्रभु कि कोई कलीसिया इम्यून नहीं है इन कीड़ों से, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह उस निदान के लिए जो आपने हमारे बीच में भेजा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने मलाकी चार को भेजा, जब आपने बोला खुदावन योएल 2:28 में कि आई विल रेस्टोर, तो आपके दिमाग में खुदावन मलाकी चार था प्रभु, आपके दिमाग में एक नबी था खुदावन जिसको कि आपने इस युग में भेजना था प्रभु, जिसने चीजों को वापस बहाल करना था, वो विश्वास पे जो कि पितरों का विश्वास था वापस, ताकि हम लौट सके प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, जब आपके दिमाग में निदान था, जब आपके दिमाग में आप कह रहे थे आई विल रेस्टोर प्रभु, आपके दिमाग में एक मोहर थी प्रभु यीशु मसीह, जिस मोहर के तहत खुदावन कुछ लोग बचेंगे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज लोगों ने इस कोरोना के लिए टीकाकरण कराया प्रभु, लेकिन बच नहीं पा रहे खुदावन, मरते जा रहे हैं प्रभु, बूस्टर डोज से लोग पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं प्रभु, पैरालाइज्ड हो रहे हैं प्रभु, लेकिन आज एक डोज है खुदावन जो कि आपने नबी के मार्फत हमें दिया है प्रभु। आज एक मैं कहूंगा सबसे बड़ा बूस्टर डोज है खुदावन, जो कि दुल्हन को यहां से रैप्चर में लेके जाएगा प्रभु। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह आपने कुछ लोगों को रखा है उन टीकों को देने के लिए प्रभु, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपने हमारे अजीज पास्टर को चुना प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं वही बातें जो नबी ने बोली प्रभु आज पास्टर के माध्यम से हम तक पहुंचती है खुदावन, ताकि हम खुदावन इनोक्युलेट हो सके, हम इस टीके को ले सकते हैं खुदावन। कैसे भाई बोल रहे थे और कह रहे थे कि मैं किसी से कह रहा था हर 6 महीने में डीमोबिलाइजेशन कराओ। ओ खुदावन हमें कितना जरूरी है प्रभु भवन में आना खुदावन, इन संदेशों को लगातार सुनना प्रभु, नबी के संदेशों को लगातार सुनना खुदावन, क्योंकि यही वो चीज है खुदावन
जो हमें इन कीड़ों से मुक्ति प्रदान कर सकती है प्रभु। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद देता हूं खुदावंद, आपके नाम की स्तुति बड़ाई करता हूं प्रभु। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं खुदावंद, धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए जो आज के युग में हमारे लिए बहाया गया खुदावंद, उस ब्लीडिंग वर्ड के लिए खुदावंद जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह, ये है वो विरंजक प्रभु जो कि गुनाह को उसके ओनर के पास पहुंचा देता है प्रभु, और एक शख्स को उसके ओनर के पास पहुंचा देता है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो बढ़ाई हो खुदावंद। आज आप शाम को आए हमसे बातचीत करें, हमसे हम कलाम हो खुदावंद। ओ खुदावंद, आपने अजीज पास्टर को फजल दिया खुदावंद की वो नागपुर जा करके शाम को लौट के आ सके प्रभु। ओ खुदावंद, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं इतने प्यारे पास्टर के लिए खुदावंद। वो घर में आराम से जाके लेट सकते थे प्रभु, वो रात के 3 बजे के चले हुए खुदावंद, 3 बजे के उठे हुए प्रभु, लेकिन खुदावंद आपने प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा शख्स दिया खुदावंद जो कि अपने कामों से कतराते नहीं प्रभु, लेकिन खुदावंद वो अपनी ड्यूटी पे हाजिर होते हैं खुदावंद। हम बहुत खुश हैं प्रभु इस एंजल के लिए खुदावंद जो कि हमारे बीच में आपने दिया है प्रभु, जिसकी पुष्टिकरण आपने रोशनी बेच के की प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद। हमसे हम कलाम, हमसे बातचीत करें प्रभु, हमारे हृदयों को आप उत्तेजित करें खुदावंद। मैं जानता हूं में से हर एक खुदा बड़ी अपेक्षित हृदय से यहां पर पहुंचा है प्रभु, और मेरी प्रार्थना है जो लोग इंटरनेट के माध्यम से भी आज की मीटिंग को सुन रहे हैं प्रभु, वो अपनी जगह पे बैठ ना पाए खुदावंद, वो भी उस उत्तेजना को महसूस करें, सेम अनॉइंटिंग को महसूस करें खुदावंद। ओ कैसे नबूवतें यहां बोली जाती है प्रभु, लोग रियलाइज नहीं करते कि यहां पे क्या हो रहा है प्रभु। आप आते हैं चीजों को बोल देते हैं, और कैसे खुदावंद मैं इस बात का गवाह हूं प्रभु, वो आदमी जो मेट्रो ट्रेन में बैठा था वो कह रहा था 11 साल पहले जो हुआ आज भी हम उसको महसूस कर पा रहे हैं। ओ खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ हो। There's a man here who can turn on the light. I believe greater than Solomon is here. Lord, we praise your holy name. We lift your name on high, Lord. You alone are worthy. Because you allowed us to come to you, Lord. By the new and living way, by the blood of Jesus, Lord. How we thank and praise your name, Lord. खुदावंद, जब हम यहाँ इकट्ठा हुए प्रभु, किसी तमाशे को देखने नहीं आए खुदावंद। ओ खुदावंद, कैसे इज़ेकियल में आप कहते हैं, I the Lord have said it and I the Lord will perform it. ओ खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let's sing this chorus 334. It's your blood that cleanses me. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice, washes me. Whiter than the snow, oh, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood, it's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. Amen, that eternal life. It's your blood, oh yes, Lord, that took my place in a redeeming sacrifice. Washes me. Whiter than the snow, oh, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. Can we sing it once again?
It's your blood. While we lift up our hands, let's give him pleasure tonight. It's your blood. Oh, thank you, Lord. Gives me life. It's your blood. Oh, yes, my Lord. That took my place in redeeming sacrifice. Washes me. Whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. Let's lift His name up high when we sing it again. It's your blood. Oh, yes, yes, Lord. Amen. That bleeding word. Amen. It's your blood that gives me life. It's your blood. Are you thankful tonight? Amen. Hallelujah. In redeeming sacrifice washes me. Whiter than the snow, oh, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. My Jesus, God's precious sacrifice. Hallelujah. It's your blood. It's your blood that cleanses me. Aren't you grateful tonight? क्या आप आभारी हैं आज रात्रि कि वो लहू बहाया गया, वो उत्तम लहू किसी इंसान का नहीं, खुदा का लहू जो एक इंसान बना। खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि हाँ, एक बीमारी है, एक रोग है, लेकिन खुदा के दिमाग में उसका उपचार पहले था। नबी ने कहा, कौन पहले आया, एक गुनेगार या एक उद्धार करता? बीमारी या उसका उपचार? खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदावन ने पहले से अपने दिमाग में एक योजना को डिवाइस किया था। हे मैन, आपके और मेरे लिए, मेरे भाई बहनों, अगर आप यहां पर मौजूद हैं, अगर आप इसकी गरिमा समझ पाए और खुदा का धन्यवाद कर पाए, मैं कहूंगा ये बहुत ही बड़ी चीज होगी। अपना मुंह खोल करके, अपने हाथों को उठा करके, उस खुदावन, वाहिद खुदावन का धन्यवाद करें, उस लहू के लिए, उस मोहरों के खुलने के लिए, उस सातवीं मोहर के लिए। Amen. Amen. It's your blood that gives me life. यह वो लहू जो आपको और मुझे जीवन देता है। संसार में कोई और ऐसी चीज नहीं है। जैसे भाई आशीष बता रहे थे संडे को, आजकल के भोजन बिल्कुल बकवास है, चिकन जली फिश की तरह है। याद है आपको संडे को? Amen. लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, एक चीज है जो आपको जीवन दे सकती है, और वो है ये वचन, ये संदेश, ये मोहरों की किताब। Amen. ये जीवनदायक है मेरे भाई मेरी बहन, इसके साथ लगे रहे, इसको छोड़े नहीं। Amen. इसका इनॉक्यूलेशन रोज ले, अपने बच्चों को रोज ले। Amen. इन संदेशों में जान है ब्रदर। जैसे हम अपने पेशेंट से कहते हैं ये दवाई रोज खानी है, इसको भूल मत जाना, अगर भूल गए तो हालत खराब हो जाएगी। अरे कैल्शियम डाउन हो जाएगा, विटामिन डी डाउन हो जाएगा, इसको तो रोज खाना पड़ेगा। और आपको अगर शुगर की बीमारी है तो शुगर की दवाई सुबह और शाम रोज खानी पड़ती है। जानते हैं जो शुगर के पेशेंट्स हैं, तो इस मैसेज के बारे में किया, क्या किसी दिन एक दिन छोड़ सकते हैं आप इसको? ब्रदर, इस पापी व्यभिचारी जाति में जिसमें आप और मैं रहते हैं, आपको इसकी अति आवश्यकता है, इस संदेश की। रोज जाए, बच्चों से कह रोज पढ़े। Amen. इसका इनॉक्यूलेशन रोज लें। बूस्टर डोज कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। बूस्टर डोज लेने के बाद लोग पागल हो गए, बूस्टर डोज लेने के बाद लोगों को फालिज मार गया, बूस्टर डोज लेने के बाद लोग मर गए। लेकिन एक जगह है, एक स्थान है
एक बूस्टर डोज आप ले सकते हैं आज रात्रि। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, हमारे पास संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को और रोज आपके पास संदेश पाए जाते हैं कि आप वो बूस्टर डोज लेते रहें। मेरे भाई आप जो पीछे खड़े हैं, मेरी बहन जो आप पीछे खड़ी हैं, ध्यान से सुनिए, कितनी अति आवश्यकता है इस संदेश के पास रोज जाना, इसको अपने खानों में डालना। जब ये पहुंचेगा तब आपको रोग से उपचार मिलेगा। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं उस निदान के लिए जो खुदा ने आपके और मेरे लिए भेज दिया इस युग में, उस पुस्तक के रूप में, उस साथी मोहर के रूप में। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, बढ़ाई हो। आइए गीत और गाएंगे। ये जो बरकत का कटोरा खुदा ने आपको और मुझे दिया है ना, इसको यूं ही मत जाने दीजिए। ये खुदा उनका रहम आपके पास आए मेरे भाई, क्योंकि जब खुदा मन इस बादल में प्रकट हुए ना, ये बहुत प्यारा चेहरा है। ये आपकी ओर जब देखता है तो दया दिखाता है। करने तो न्याय आया है, संसार का बर्बाद करने आए हैं खुदा मन, और हम देख रहे हैं कैसे। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, भाई ने हमारे ग्रुप में भेजी थी, कैसे श्रीलंका में अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है, आलू 500-500 रुपए किलो बिक रहे हैं। आप सोच सकते हैं कभी, लोग बाग गाड़ियां खरीद में डालने के लिए ईंधन नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है वहां पर, लोग बाग साइकिलें खरीद रहे हैं, बहुत बुरी अवस्था आ गई है। आप लोग को अच्छा अच्छा मिल रहा है, आप खा रहे हैं पी रहे हैं। भाई लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बहनों, ये मत सोचना कि ये हालत हिंदुस्तान में नहीं आएगी, ये हालत अब पूरे दुनिया में होने वाली है। और कैसे, मेरे घर के सामने एक लेडी रहती है, उन्होंने बताया कि न्यूज में आया है कि 2023 अमेरिका टूट जाएगा। तो ब्रदर, मैं और आप कहां पर रह रहे हैं, वी आर एट द ब्रिंक। कैसे आशीष भाई बता रहे थे कि बहन ने आके बताया 2 साल रह गए 19 में, और उसके बाद 1 साल और बीतेगा। आमीन। सो आज हम कहां पर हैं ब्रदर, इस कोरस को गाएंगे 386। Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us, and we remember the promise made that all who come in faith will find their pardon at the cross. I would say at the cloud. Amen. Behold the Lamb who bears our sins away, slain for us, and we remember the promise made that all who come in faith will find their pardon at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of love. Around the table of our Savior Jesus Christ torn for you. Amen. Eat and remember the Lamb who crushed the dead and brings us life. Take the pride. Amen. Hallelujah. To make us one. So we share. So we share. Around the table
cleanses every stain of sin shed for you. Amen. Drink and remember, he drank that cup that we may enter in to receive the life. Hallelujah. So with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as his born. Amen. Here on earth. So we share. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of love. Around the table, we'll sing the last verse again. And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as his body here on earth. As we share, as we share in his suffering, so with him we shall also reign. Let us join in this feast and the table of our King. Hallelujah. Around the table of our King. Around the table of our King. Around the table of our King. As we share, as we share in his suffering, so with him, yes, Lord, we shall also reign. Let us join in this feast and sing around the table. Amen. That mighty conqueror around the table. Hallelujah. He's given you and me this grace to come to this table and to feast. Table, amen. My King.
around the table of my King. Hallelujah. Don't you feel that you are so blessed? You've been called in this banquet. Amen. Hallelujah. We are living very close at the brink of rapture, my brothers and my sisters. And I believe that you've come here tonight to get inoculated by this word which gives eternal life. Jesus said, the words I speak unto you, they are spirit and they are life. And I believe he's here tonight. Amen. To satisfy all our needs. Amen. Don't forget, he's here tonight. Bless you and me. To give you and me strength. Amen. Strength for this journey. Hallelujah. Amen. So we are here. We praise his holy name. We give him thanks and praises. Do you want to give him pleasure tonight? By lifting up your hands and saying, thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. You alone are worthy, Lord, to receive all glory, honor, and power and praise. Amen. The Bible says, thou art worthy. Thou art worthy to receive glory, glory and honor and praise. For thou hast created, hast all things created. Amen. Thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. Amen. Thou art worthy, O Lord. Hallelujah. Amen. We worship his holy name. We give him thanks and praises for this coming, for this appearing, for this cloud. Bible ka cruise ki kahani naash hone walon ke liye murkhta hai. आज मैं कहूंगा इस संसार में बर्बाद होने वालों के लिए इस बाइबल की कथा जो है, बाइबल का बादल का जो आना है, बड़ी मूर्खता है. लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं हम जो रैप्चर्ड सेंट्स हैं. आमीन. हमारे लिए अनंत जीवन है, ये लाइफ है. आमीन. प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो. आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव. All things are possible. I hope your heart is prepared now. जब आपने वर्शिप किया है, खुदा का धन्यवाद किया है, और मैं विश्वास करता हूं जिन्होंने खुदावन का धन्यवाद हृदय से, आत्मा से, सच्चाई से किया है, आज वो खुदावन से सुनेंगे. Amen. Only believe. Oh. And all things are possible, only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. That's that all they are possible, my Lord, I believe, and we believe, my Jesus is here, as he is pastor by Ashish, the Joshua, my Jesus is he, and all things are possible, my Jesus, my Jesus is here. Is you and all things.
are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, once again. एक बार फिर से हे अब्बा स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं. For this precious evening you have given to us. इस बेशकीमती शाम के लिए जो आपने हमें बख्शी है. Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं. Desiring a fellowship from you tonight. और आज रात्रि खुदावन एक संगति की मांग आपसे करते हैं, इच्छा करते हैं. While people have assembled here. जबकि लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं. Hungering for the bread of life. उस जीवन के रोटी के भूखे हैं खुदावन. That's what pulls them here, Lord. यही तो वो है जो इन्हें खींचती है यहाँ पर. Amen. It's the lifeline. ये उनके जीवन की रेखा है खुदावंद. I pray tonight. और मैं आज रात्रि प्रार्थना करता हूँ खुदावंद. You break the bread of life. कि आप आके जीवन की रोटी को तोड़ें. And feed thy children here. और यहाँ पर आपके बच्चों को भोजन खिलाएं. Bless everyone who's come here. हर एक जो यहाँ आया है उसे आशीष दें. As we submit ourselves into your mighty hands of grace. जबकि हम अपने आप को आपके सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी हाथों के अंतर्गत सुपुर्द करते हैं. In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. आमीन. While we are standing. जबकि हम खड़े हैं. Let's turn to that scripture in the book of Revelations. आइए हम उस हिस्से को निकालें प्रकाशित वाक्य की किताब में. Which is found in chapter 3. जो कि तीसरे अध्याय में पाया जाता है. Verse 5. उसकी पांचवी आयत. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Lord Jesus, may you add blessings to the reading of the word. प्रभु यीशु कृपया करके अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीषें जोड़ें खुदावंद. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं. Amen. आमीन. Let us all be seated. आइए हम सब बैठ जाएं. Greetings to my home church in the name of our Lord Jesus Christ. मेरी घर की कलीसिया को शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. And a shalom to everyone. और हर एक को एक शालोम. God bless everybody. खुदावंद सबको बरकत दे. For giving us and you a privilege to come here tonight in this fellowship. क्या हम सबों को खुदावन ने और आपको ये मौका दिया कि हम इस संगति में आज रात्रि आ पाएं? I really thank God for giving me and brother Titus a privilege and of course sister Titus and their daughter sister Nilufar to go to Nagpur. और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया मुझे भाई टाइटस को और हाँ बहन टाइटस को और उनकी बेटी बहन नीलोफर को कि हम नागपुर जा पाए. एंड बी अ पार्ट ऑफ द फ्यूनरल ऑफ पास्टर एडी टाइटस हु पास्ड अवे ऑन संडे. और मौका दिया कि हम शरीक हो पाएं उस फ्यूनरल में जो कि पास्टर एडी टाइटस का था जो कि प्रभु के पास चले गए संडे के रोज. एंड इट वॉज अ वंडरफुल मीटिंग. और ये बहुत ही अद्भुत मीटिंग थी. I don't know, but as I was told that I think that message part didn't come. I told them that if you can put it on the YouTube for 4 to 5 days, our brothers can watch. और मैं मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे को बताया गया कि वो संदेश वाला हिस्सा आ नहीं पाया, पर मैंने उनसे बोला है कि अगर आप इसको 4-5 दिन के लिए YouTube पे डाले रखें, तो हमारे भाई लोग इसको देख पाएंगे. A very strange inspiration at that funeral service today morning. आज सुबह बड़ा ही विचित्र प्रेरणा मिली उस सुबह फ्यूनरल सर्विस में. एंड दैट वाज द बरियल ऑफ मोसेस. और वो थी मिट्टी देना बरियल गाड़ा जाना मूसा का. एंड गॉड हिमसेल्फ गेव मोसेस अ बरियल. और खुदावन स्वयं ने मूसा को बरियल दिया. द बेस्ट पार्ट हिज ग्रेव इज नॉट फाउंड. आमेन. और सबसे उत्तम बात यह है कि उसकी कब्र मिली ही नहीं. As Brother Branham said, angels were his pallbearers. जैसा कि भाई ब्रैनम ने बताया कि उसके कफन को उठाने वाले दूत थे. And I was sharing those points there. और मैं उन बातों को वहाँ रख रहा था. And all the sadness and gloom just passed away. और हर एक दुख और परेश जो gloom था निराशा थी वो सब चली गई.
And they were rejoicing in the Lord. और वे सब प्रभु में आनंदित हो रहे थे. God's name be really praised. खुदा का नाम वास्तविकता में जलाल पाए. What a meeting it was. क्या ही मीटिंग वो थी. I don't know how many knows brother Daljit Titus. मैं नहीं जानता आप में से कितने भाई दलजीत टाइटस को जानते हैं. Some of you, yes, his younger brothers. हाँ, कुछ और उनके छोटे भाई. मंजीत एंड प्रेमजीत. मंजीत और प्रेमजीत. Brother मंजीत, I should say. Brother मंजीत and brother प्रेमजीत. भाई मंजीत और भाई प्रेमजीत. And their father now, who is about 80 now. और उनके पिताजी जो कि अब लगभग 80 साल के हैं. And he lives in Jabalpur. और वो जबलपुर में रहते हैं. It was a testimony for them. ये गवाही थी उनके लिए. And in fact, after the meeting, he said, "My views changed for the funeral." और वास्तविकता में मीटिंग के बाद उन्होंने बोला कि मेरा देखने का नजरिया बदल गया एक फ्यूनरल को. And it was. और ये था. And I thank God that the whole church at Nagpur was really edified. और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि पूरी कलीसिया नागपुर में उसको उन्नति मिली. And I really thank God for giving me grace to go and come back. और मैं खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं जाके वापस आ पाऊँ. And pick up this meeting. और इस मीटिंग में शरीक हो पाऊँ. So blessed be the name of the Lord. तो मुबारक हो खुदावंद का नाम. God really bless you all. God really bless you all. खुदावंद आप सबको बरकत दे. खुदावंद आप सबको बरकत दे. If I speak about the world, अगर मैं दुनिया के विषय में कहूँ, there's a famine. वहाँ तो अकाल है. Yes. There's a famine of the word. वचन का बहुत सूखा पड़ा है. That spirit and that enthusiasm that you people enjoy. वो आत्मा और जो वो उत्तेजना और जो खुशी उल्लास जो आप लोग जिसका आनंद उठाते हैं. It's not found to that extent in many places. वो उस हद तक के बहुतेरी जगहों में पाया जाता नहीं है. It's true. ये बात सत्य है. I got to talk with brother Deepak. मेरी बात हुई भाई दीपक के साथ. And try to find out things which are happening. और मैंने पता लगाने की कोशिश करी कि चीजें जो हो रही हैं. And I told him, and I, if he can hear me, if he's hearing this meeting, I'll remind him that please give my greetings to brother Eddie Biskar. और मैंने उनको कहा कि अगर वो इस मीटिंग को सुन भी रहे होंगे तो मैं उनको याद दिलाऊंगा कि कृपया करके मेरी ग्रीटिंग्स भाई एडी विस्कल को जरूर दीजिएगा. आई लव दैट ब्रदर. मैं उस भाई से बहुत प्रेम करता हूँ. He told me now he is going to be about 86, 88, something around that. उन्होंने मुझे बताया कि लगभग वो 86 या 88 साल के होने वाले हैं. So he hobbles in the meeting, he sits, and then he goes in the middle to the vestry and he sits there and hears the meeting from that place. तो वो आते हैं एक चुपके से और बैठ जाते हैं मीटिंग में एकदम से और फिर वो वेस्ट्री में चले जाते हैं जो कि एक शांत जगह है और फिर वहां से मीटिंग सुनते हैं. He fought a very good fight. उन्होंने एक बहुत ही भली और अच्छी कुश्ती लड़ी है विश्वास की. And he got wonderful warriors like brother Tim Dodds and brother Tom Ray. और उनके पास ही बहुत बढ़िया योद्धा हैं भाई टिम डॉड और भाई टॉम रे जैसे. And God really bless them. और खुदावन उन सबको बरकत दे. And for the international ministry and missions they are looking after. That's wonderful. They have missions. और बहुत और वो अंतर्राष्ट्रीय जो सेवकाई और मिशन जिसकी वो देख रेख कर रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत है बढ़िया बात है कि उनके पास कुछ मिशन है. That's right. ये बात ठीक है. But on the other hand, you know the condition of the nations. पर दूसरी तरफ आप जानते हैं देशों की हालात क्या है. And even those half pants have come to our country in our own city. और आप जानते हैं कि हम वो आधी पेंटे जो हैं यहाँ तक कि हमारे देश में भी और हमारे शहर में भी आ गई हैं. If Anishal would remember when we were there in 2015 in Canada, we saw those half pants. अगर आपको याद हो भाई निश्चल को कि हम 2015 में कनाडा में थे तो उनको वो हाफ पैंट याद होंगी. And now we see that same here on the streets. और अब हम वही चीज इस यहाँ की सड़कों पे देखते हैं. That's right, it's the spirit of the Laodicea. हाँ ये बात ठीक है ये आत्मा ही तो है लौदीकिया का. And that's what we are fighting for to war against that spirit. और इसीलिए हम युद्ध लड़ रहे हैं और एक संग्राम लड़ रहे हैं कि हम उस आत्मा के विरोध खड़े हों और उससे लड़ें. Now Sunday I was sharing with you on worms. अब संडे को मैं आपके साथ उन कीड़ों के बारे में शेयर कर रहा था. Something strange happened while I was returning home. कुछ अजीब विचित्र हुआ जब मैं घर वापस लौट रहा था. Well, I was going through that road on the shooting range. मैं उस रोड पे से गुजर रहा था जो कि शूटिंग रेंज पे है. Probably this long snake came on the road. लगभग इतना लंबा सांप सड़क पे आ गया. Maybe this thick.
हो सकता है इतना मोटा हो. And he was going like this. और वो ऐसे रेंगता हुआ जा रहा था. And the front car purposely missed him. और जो पहली गाड़ी थी उसने जान, in front of us. जो हमारे आगे जा रही थी वो उसने जान के उसको मिस किया, उस पे नहीं चढ़ी. It's their God, you know. आप जानते हैं उनका गॉड है. But I took my car over him. Amen. पर मैंने अपनी गाड़ी बाज नहीं रखी उससे, उसके ऊपर ले गया. Both the front tire and the back tire. आगे का पहिया भी और पीछे का पहिया भी. Strange enough, when Brother Deepak was returning from Canada, he said to his wife, "See, there's a serpent laying there dead on the road." बड़ी विचित्र बात, जबकि भाई दीपक कनाडा से लौट रहे थे अपनी पत्नी के साथ. Same experience. उनको भी यही अनुभव हुआ. उन्होंने बोला अपनी पत्नी को, देखो एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है उस सड़क पे. We know our father is coming again. Amen. हम जानते हैं कि हमारे पापा वापस आ रहे हैं. You see, now people see things by revelation. आप पाएंगे कि अब लोग चीजों को प्रकाशन के साथ देखते हैं. The level has come up a little higher. उनका जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर उड़ गया है. So God's name be praised. तो खुदा का नाम वास्तविकता में जलाल पाए. After a long time, I went to that place. बहुत लंबे समय के बाद मैं उस जगह गया. And to meet that family, meet all of them, it was really wonderful. और उस परिवार से मुलाकात करना और उन सब से मुलाकात करना बहुत ही अद्भुत था. God bless all of them. खुदावन उन सब को बहुत ऐसे बरकत दे. Amen. आमीन. Our plane got a little late, about 10 or 15 minutes. हमारी जो प्लेन था वो थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गया. So I was feeling a little if I can make it to the meeting. मुझे बड़ा लग रहा था ऐसा कि क्या मैं मीटिंग पहुंच पाऊंगा या नहीं. But by His grace I did. पर खुदा का अनुग्रह रहा मैं पहुंच गया. Thank you Jesus. And by His grace I am here. और खुदा के अनुग्रह से मैं यहाँ हूँ. In the service of the Lord. खुदा की सेवा में. Amen. Today I came to know. आज मुझे ये पता लगा. Our brother Osmond spoke in tongues. हमारे भाई ऑसमंड ने गैर जुबानों में बोला है. The day his father went on to be with the Lord, that's long time back. जो हमारे जिस दिन उनके पिताजी जो हैं प्रभु के पास गए बहुत समय पहले. And of course, you know that was a very old time, and they were burying him. और बेशक ये बहुत पुराना समय है, बहुत पहले की बात है, और वो उनको मिट्टी दे रहे थे. He spoke in tongues. और उन्होंने गैर जुबानों में बोला. And he also prophesied. और उन्होंने नबुवत भी करी. And I mean the boy, the children there, they were remembering that. और जो बच्चे वहाँ पर थे, उन्हें याद आ रहा था उस बात के बारे में. And see these people, God really bless our precious brother. और इन लोगों को देखते हुए खुदावन वास्तविकता में हमारे बेशकीमती भाई को बरकत दे. Because many of you will not realize what weaning out of Pentecostal age means. आप में से अधिकांश लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि इस Pentecostal युग में से निकलना, उसमें से जाना, जैसे बच्चा दूध को छोड़ता है माँ के, उसमें से निकलना कैसा होता है. But I can tell you. पर मैं आपको बताऊंगा. That long time back, I would say now 50 years back. वो बहुत साल पहले, मैं कहूँगा लगभग 50 साल पहले. The major move in this country was the Pentecostal move. Yes. Yes. जो महान move था इस देश में जो था, वो Pentecostal move ही था. And these old fighters, they came out of that. और ये तमाम जो योद्धा थे, पुराने, ये उसमें से निकल के आए. And then came to this message. और फिर इस संदेश में आए. And we really thank God for such a family of believers. और हम खुदावन का वास्तविकता में धन्यवाद देते हैं ऐसे परिवार के लिए जो विश्वासियों का है. Oh, there are many things we can go on. Oh, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं. I'll come to the subject. मैं विषय पे आऊंगा. But before I do, I would also say something. पर इससे पहले मैं कहूँ, मैं कुछ एक और बात कहूँगा. God bless. I think somebody was watching. खुदावन बरकत दे. मैं सोचता हूँ कोई देख रहा था. But it was true. पर ये बात सत्य है. I went back and checked up with the literature of Brother Owen Jorgensen. मैं वापस गया और मैंने चेक किया भाई ओवन जॉर्गेंसन के लिटरेचर्स पे. एंड ही हैज स्पोकन ऑफ द क्लाउड. और उन्होंने बात की है बादल के विषय में. एंड ही हैज स्पोकन इट इन डिटेल. यस. और बड़ी विस्तृतता से उन्होंने उसमें बात की है. व्हाट अनॉयड मी वाज द फैक्ट व्हेन ही इज शेयरिंग अबाउट सेवन एंजल्स ही डजंट मेंशन अबाउट द क्लाउड इन डिटेल देयर. हाँ, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो बात ये थी
कि जब वो सात दूतों का विवरण करते हैं तो वहां पर वो उन उस बादल का विवरण कोई नहीं देते विस्तार से. He's taking it in a sequence. पर हो शायद हो सकता है कि वो इसको एक क्रमानुसार लेके जा रहे हैं. So he, when he comes to the May period, तो जब वो मई के हिस्से पे आते हैं, he shares it. I would say thank you, Lord. तो वो इस बात का फिर उल्लेख करते हैं. मैं कहूंगा खुदावन आपका धन्यवाद हो. I'll personally testify something from that. मैं निजी रूप से इस बात के विषय में कोई गवाही दूंगा एक. Not today. आज नहीं. God is my judge. खुदावन मेरे गवाह हैं. I told some people before also. मैंने कुछ लोगों के सामने भी इस बात को कहा था. I said you have a book called A Man Sent from God by Brother Gord Lindsay. मैंने कहा कि आपके पास एक किताब है जिसका नाम है एक आदमी एक मनुष्य जो खुदा के द्वारा भेजा गया भाई गॉर्डन लिंडसे के द्वारा लिखी हुई. Then you have Acts of the Prophet by Brother Perry Green. फिर आपके पास भविष्यद्वक्ता के कार्य हैं जो कि लिखे गए भाई पेरी ग्रीन के द्वारा. And now you have Supernatural written by Brother Owen Jorgensen. और अब आपके पास Supernatural था अलौकिक है जो कि लिखी गई भाई ओवन जॉर्गेंसन के द्वारा. I'll give a little history. मैं आपको थोड़ा इतिहास बताऊंगा. This book came now. ये किताब अब आई है. And in it is the efforts of his own wife. और उसमें पाए जाते हैं प्रयास और मेहनत उनकी पत्नी के भी. God bless her, but she went on to be with the Lord. खुदावन उन्हें बरकत दे पर ऐसा हुआ कि वो प्रभु के पास चली गई थी. But much, much before that. पर बहुत बहुत उससे पहले. I'm a personal witness. मैं उसका एक निजी गवाह हूँ. I think it was Brother Joshua Gudetti, which I think none of you know. और मैं सोचता हूँ ये भाई जोशुआ गुडेटी थे जिन मैं सोचता हूँ जिनके बारे में आप में से कोई नहीं जानता होगा. I'm talking now about 1986-87, around that period. मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1986-87 के बारे में उस समय के दौरान. Probably many were not there at that time. बहुत तेरे हो सकता है उसमें उस समय नहीं थे. Yes. जी हाँ. So I'm talking about that time and he gave us a booklet. और उस समय के बारे में बात कर रहा हूँ उन्होंने हमें एक booklet दी छोटी किताब. Today I have it and it's a wonderful booklet. और आज तक के वो मेरे पास है और ये बहुत ही बढ़िया किताब है. Written by Brother Owen Jorgensen. जो कि भाई ओवन जॉर्गेंसन के द्वारा लिखी गई है. Called the Exposition of the Seventh Seal. जिसका मतलब है, जिसका नाम है सातवीं कलीसिया का की व्याख्या. सातवीं मोहर की व्याख्या. And in that, in detail, he talked about parousia in not the erroneous sense where people preach that you don't have communion and feet washing and all that. But he shared the coming of the Lord and the presence of God on the earth now. और फिर उसमें उन्होंने परुजिया के बारे में उस विषय के बारे में बड़ी अधिकाई से समझाया है और उसके गलत मतलब में नहीं उसको लेके गए उन बातों को नहीं रखा है परंतु जो कि गलत है कि जिसमें लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना और अब हमें बपतिस्मा नहीं और ये प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए ये सारी बातें नहीं है परंतु उन्होंने बताया है खुदा की मौजूदगी के बारे में और प्रभु की आमद के बारे में. That's right. ये बात ठीक है. And so I read that whole book. और इसलिए मैंने उस पूरी किताब को पढ़ा है. It was like a booster. ये एक बूस्टर की तरह थी मेरे लिए. The quotes he gave. वो कोट जो उन्होंने दिए मुझे उसमें. In that background now came supernatural. For me, I mean, I don't know for you. Amen. उस भूमिका में उस पृष्ठभूमि के अंदर अब supernatural मेरे पास आई. So when I am reading that, तो जब मैं उसे पढ़ता हूँ, I particularly wanted to know that point. मैं खास तौर से उस बात पे, उस बात को खोजने की कोशिश करता हूँ. Of course, he mentions it later. हाँ, बेशक वो उसका उल्लेख बाद में देते हैं. God bless him, and I told some people, God is my judge. You find a very special anointing with the supernatural books. और खुदावन ने बहुत ऐसे बरकत दे और मैंने काफी लोगों को बोला भी है कि आप एक बड़ी खास अभिषेक को पाते हैं उन अलौकिक वाली किताब की श्रृंखला में. द रीजन इज कारण यह है द मैन हु रोट इट बिलीव्ड इन द कमिंग. आमेन. जिस आदमी ने उसे लिखा है वो आमद पे विश्वास करता था. ही वॉज नॉट जस्ट रिलेटिंग अ लाइफ स्टोरी. वो किसी जीवन कथा का विवरण नहीं दे रहा था. यू टेल मी डू यू हैव द एंड नोट्स इन हिंदी. क्या आपके पास वो एंड के नोट्स हैं जो कि हिंदी में है हिंदी संस्करण में. द हिंदी बुक कंटेन्स द एंड नोट्स. एंड नोट्स हैं. गॉड ब्लेस यू. गो थ्रू दोस एंड नोट्स. खुदा ने आपको बरकत दे उस एंड नोट्स जो हैं उनमें से भी हो कि आप उसको भी पढ़िएगा. दोस एंड नोट्स गिव यू द नेम ऑफ द मैसेजेस वेयर ही सेड सर्टेन स्टेटमेंट्स. वो जो एंड नोट्स हैं उनमें आपको वो नाम मिलेंगे उन संदेशों के जिनका हवाला उन्होंने दिया है उस किताब में. But then,
On Monday, one brother called and God blessed that brother. और फिर तब मंडे को एक भाई ने मेरे को कॉल किया और खुदावन उस भाई को बरकत दे. God bless you. That means they were watching. खुदावन को बरकत दे इसका मतलब आप देख रहे थे. I was watching too, of course. और मैं भी देख रहा था बेशक. But now I'd say something. पर अब मैं कुछ कहना चाहूंगा. Then suddenly I was drawn again to this cloud. फिर से मेरा आकर्षण खींचा इस बादल की ओर. And I picked up the Life magazine, which is in my house, of course, which was given to my father. और मैंने उस Life magazine को उठाया जो बेशक मेरे घर में है, जो मेरे पिता को दी गई थी. The way Brother Jorgensen relates it. जिस तरीके से भाई जॉर्गेंसन उसका विवरण देते हैं. So I turned to the first page. तो मैंने पहला पेज खोला. And now I find something more. अब मुझे कुछ और मिला. In that magazine, of course, everyone knows they show the face of the governor with his new wife. और आप जानते हैं बेशक उस मैगजीन में उसके पहले पन्ने पे जो कवर पेज है उस पे दिखाया गया है गवर्नर को एक स्टेट के और उसकी नई पत्नी को. That's right, Mr. Rockefeller. हाँ ये बात ठीक है जो मिस्टर रॉकफेलर है. And we read that first page inside. पर जब उसके अंदर आप पहला पन्ना पढ़ें, they were preparing some astronauts. वो तैयार कर रहे थे कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को. Because they had a mission called Mars. क्योंकि उनका एक मिशन था जिसका नाम है मार्स. So they had a space program. तो उनका एक अंतरिक्ष यात्रा का एक प्रोग्राम था. And that, imagine that same magazine carrying a space program. Hallelujah. Carries this cloud. तो ये सोच के देखिए कि उसी मैगजीन में जिसमें ये स्पेस प्रोग्राम की बात की गई है उसमें ये बादल है. That's right. ये बात ठीक है. You can't get enough of this cloud, I tell you. आप इस बादल का आप ऐसा नहीं कर सकते कि इससे सब कुछ आप उब जाएं. कभी ऐसा नहीं हो सकेगा. As the prophet said, keep watching this rock. जैसा नबी ने कहा कि इस चट्टान को हमेशा देखते रहो. Keep watching this message which came through the cloud. उस संदेश को जो इस बादल से आया है इसे हमेशा देखते रहो. Keep watching this cloud. हमेशा इस बादल को देखते रहो. There's many things here. बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर. And I would say once again to you, watch. और मैं आपसे फिर से कहूंगा कि एक बारी कि आप इसको देखिए. You have not seen it completely. आपने पूरी तरीके से इसको देखा नहीं है. There are many, many more things. बहुत सारी और बातें हैं. Even if the prophet would be here, he would be sharing it. यहाँ तक कि अगर नबी यहाँ होते तो वो इस बात को शेयर कर रहे होते. See how it unfolded from seven angels to the face of Christ. देखिए कैसे खुल के निकल के आया सात दूतों से मसीह के चेहरे तक. To vindicate the word for this age. ताकि पुष्टिकरण करे इस वचन का जो कि इस युग के लिए आया. Christ the Hoffman head, but this time wearing a white wig. मसीह जो कि Hoffman head है परंतु इस दफा वो एक विग पहने हैं. And suddenly some scriptures get connected up. और अचानक से कुछ पवित्र शास्त्र की आयतें उससे जुड़ जाती हैं. Ancient of the days. अति प्राचीन. Whose hairs are white like wool. जिसके बाल श्वेत पाले की नाई हैं. Is that right? क्या बात ठीक है? Amen. And one like the Son of Man. और एक मनुष्य के पुत्र सरीखा. Joined to this ancient of days. जुड़ गया है इस अति प्राचीन के साथ. In the night visions. उन रात्रि के दर्शनों में. Yeah, that's something to understand. जी हाँ कुछ समझने की बात है. So these you can't get enough of these clouds. तो आप बस बादल की सारी बातें इसमें से एकदम से पा नहीं सकते. बहुत कुछ और इसमें बाकी है. Before I begin this message, I would say. इससे पहले मैं संदेश को चालू करूं मैं ये कहूंगा. God has given us wonderful families. Amen. खुदावन ने हमें बहुत ही बढ़िया परिवार दिए हैं. If we men folks would say, अगर हम जो आदमी है ये कहें, wonderful wives, बहुत ही बढ़िया पत्नियां, man, and children as gifts of God, और बच्चे खुदा के वरदान के रूप में, but you see, पर आप देखेंगे, as parents we need to watch one thing, माँ बाप होने के नाते हमें एक चीज देखने की जरूरत है, but Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, a rock requires a mason, एक चट्टान को, एक पत्थर को, एक राजमिस्त्री की जरूरत होती है. And that's what we are laboring for every day. और यही कारण है जिसके लिए हम मशक्कत हर रोज कर रहे हैं. That's right. जी हाँ ये बात सही है. To see them get builded as masterpieces. कि हम देख पाएं कि ये बन पाएं, ये बन जाएं सर्वोत्तम रचनाओं के रूप में. That's right. For that, sometimes parent has to change themselves. उसके लिए हो सकता है कभी-कभी माँ-बाप को अपने आप को खुद बदलना पड़े.
Maybe change the atmosphere of their house. शायद हो सकता है घर के वातावरण को माहौल को बदलना पड़े. To give that child a right kind of an atmosphere. ताकि बच्चे को एक सही किस्म के माहौल को दे. These plants that are growing up. ये जो पौधे बढ़ रहे हैं. I tell you. और मैं आपको बताना चाहूँगा. And I can say one thing. और मैं ये कह सकता हूँ. No case is impossible before God. कोई भी केस खुदा के सामने असंभव नहीं है. You know, brother Billy Paul went. आप जानते भाई बिली पॉल चले गए थे. But he came back. पर वापस लौट के आए. So never lose hopes for your family. कभी भी अपने परिवार के लिए आशाएं ना खोएं. I don't know why from the middle of something I'm saying these things. मैं नहीं जानता क्यों हर एक चीज के बीच में से एकदम से मैं ये बातें कह रहा हूँ. My subject is totally different. क्योंकि मेरा विषय बिल्कुल फर्क है. But I still have this thing in my mind to tell you. पर मेरे पास फिर भी ये बात मेरे दिमाग में है कि मैं आपको ये बताऊं. God has given us wonderful families. खुदावन ने हमें बहुत ही बढ़िया परिवार दिए हैं. Amen. Yes. जी हाँ. Cherish every moment with them. हर एक मौका हर एक क्षण जो आप उनके साथ बिताते हैं उसको बड़े आनंद से बिताइए. Speak words, pray with them. उनके सामने वचन को बोलिए और उनके साथ दुआ मांगिए. When you're sitting on the table, discuss word. जब आप मेज पे बैठे तो उनके साथ वचन की बातचीत करिए. Remember Branham in the middle of the night, he woke up, said, Meera, get up, I want to preach to you. आपको याद हो कि भाई ब्रैनम ने रात के बीच में बहन मीरा को उठाया और जगाया और कहा कि मीरा जगो, मुझे आपको प्रचार करना है. That's right. That's what the prophet did. ये बात ठीक है. यही काम नबी ने किया. That's right. ये बात ठीक है. This world is not good. ये दुनिया अच्छी नहीं है. Yes. एक अकाल है. इट्स अ नर्वस एज. बहुत ही भयभीत युग है ये. डरावा. इट्स अ एज ऑफ न्यूरोटिक्स. ये पागलों का युग है. ब्रदर ब्रैनम सेड. जैसा नबी ने कहा. मैडनेस. पागलपन. एवरीवेयर. हर जगह है. एंड इफ यू हैव अ गुड वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द मिडस्ट ऑफ I would say a horror film that's going on. मैं कहूंगा अगर आपके पास एक भली पत्नी और बच्चे हैं उस सब के बीच में मैं कहूंगा जो ये एक हॉरर मूवी चल रही है उसके बीच में डरावनी मूवी उसके बीच में अगर ऐसा है तो Every second person is turning insane. हर एक दूसरा शख्स पागल हो रहा है. Depression is so much. निराशा और डिप्रेशन इतनी ज्यादा है. It's a fact. ये बात सत्य है. And I would only say one thing. और मैं केवल एक ही बात कहूंगा. Only thing that kept us sane all this while is this message. केवल एक ही चीज जिसने हमें दिमाग में संतुलित अभी तक रखा है वो ये संदेश है. Amen. That's true. But at the same time. पर उसके साथ साथ. Remember what the prophet said. You're walking on a thin thread line over hell. याद रखिए नबी ने क्या कहा कि आप एक बहुत ही पतले धागे के ऊपर चल रहे हैं जो कि हेल के ऊपर नरक के ऊपर खिंचा है. One slip and it's gone. हल्का सा फिसले और फिर गिर जाओगे. Take my hand. मेरे हाथ को ले ले. Precious Lord. बेशकीमती प्रभु. And lead me on. और मेरी अगुवाई कर. That's right. ये बात ठीक है. We need that. हमें उसकी जरूरत है. Amen. Bible says. बाइबल ये कहती है. In the last days, perilous times will come. अंत के दिनों में बहुत ही कठिन समय आएंगे. Men will be lovers of their own selves. मनुष्य अपनी निज की अपने आप को प्यार करने वाले होंगे. I mean, I have not seen such a situation where you get in a bus. Not a, of course, I have not traveled in bus now for ages. But when you get in a metro in a public transport, nobody is interested in anybody. Everybody is just with their phone. और मैंने ऐसी कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं देखी कि जब मैं किसी मेट्रो में या किसी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता हूं तो मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई किसी दूसरे में दिलचस्पी रख रहा हो. हर एक कोई अपने फोन में ही लगा है. एंड ऑन देयर ओन बिजनेस. और अपने ही काम में मशगूल है. मेन विल बी लवर्स ऑफ देयर ओन सेल्स. मनुष्य अपने निजी अपने आप को ही प्रेम करने वाले होंगे. बस Disobedient to parents. माँ बाप की अनाज्ञाकारी होंगे. Now let's understand that the spirit. अब आइए समझिए ये एक आत्मा है
And as believers, we need to fight it. और विश्वासी होने के नाते हमें इसको लड़ना है. Unthankful, unholy, without natural affection. कृतघ्न हैं, अपवित्र हैं, बिना प्राकृतिक स्वभाव के हैं. That's what's happening. यही चीज हो रही है. That's right. ये बात ठीक है. But in the midst of this all, पर इन सब के बीच में, keep that one thing in mind. एक चीज दिमाग में रखिए. On one hand, education is there. एक तरफ शिक्षा सब कुछ है. But remember, पर याद रखिए. On the other hand, दूसरी तरफ, there's a very major thing, the salvation of these children. एक बड़ी अहम और मुख्य चीज है जो कि इन बच्चों का उद्धार है. Very, very important, and that means sometimes some harsh, sometimes rude, sometimes things which people don't like, decisions. और उसमें जरूरत पड़ जाती है कभी कभी बड़े ही कठोर, बड़े ही अजीब से लगने वाले और एकदम से लिए हुए कुछ ऐसे फैसले जो कि अच्छे ना लगे. I'll personally say I didn't like my father when he said stay in Delhi. और मैं निजी तौर से ये कहूंगा मुझे अच्छा नहीं लगा. At that point of time, उस समय मेरे पापा ने मुझे कहा कि दिल्ली में ही बने रहो, दिल्ली में से मत जाओ बाहर. And I got selected in CMC Vellore. और मेरा चयन हो गया था, सिलेक्शन हो गया था CMC Vellore में. And I, that letter had come and I had to go. और लेटर आ भी गया था और मुझे जाना था. And there were people who are ready to sponsor me all the way to America. They were telling me. और लोग इतने ज़्यादा लोग वहाँ खड़े थे, मतलब वहाँ थे कि वो तैयार थे कि मुझे स्पॉन्सर कर दें यहाँ तक कि अमरीका जाने तक. And then my father said, और फिर मेरे पापा ने कहा, you got a good college. तुम्हारे पास एक बढ़िया कॉलेज है. Stay here and attend the meetings. यही रहो और मीटिंग अटेंड करो. What actually he had in his mind, जो बात उनके दिमाग में थी वो ये थी. There was this man called S. Thomas from Vellore. ये एक आदमी है S. Thomas Vellore से. And then further down was Lorry. और आगे लॉरी भी है. So my father thought if I go there, I don't maybe come in the influence of such people. तो मेरे पापा ये सोचते थे कि शायद अगर मैं वहाँ चला गया तो ऐसा ना हो कहीं उन लोगों के मैं प्रभाव में ना आ जाऊं. But I really thank God. पर मैं वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद देता हूँ. As a young boy at that time, I resented. एक जवान लड़के होने के नाते मैंने उनका इस बात के लिए मैंने विरोध किया. But later I followed that advice. पर बाद में मैंने उनकी इस सलाह को माना. And I find, और मैं ये पाता हूँ, I have been blessed. मैं आशीषित हुआ हूँ. And that's what I would like to say even to the children. और यही बात मैं यहाँ तक कि बच्चों से भी कहना चाहूँगा. Sometimes your daddy and your mommy would say something which you will not like. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मम्मी और पापा कुछ ऐसी बात कहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी. But still follow that. पर तो भी उस बात को मानिए. And then you will find you will be blessed. और फिर आप ये पाएंगे कि आपको आशीष मिलेगी. That's right. ये बात ठीक है. They are your well-wishers. ये आपके अच्छे, आपका भला चाहने वाले हैं. That's right. ये बात ठीक है. So everyone has in this modern age have their dreams and this and that, but pay a heed to even what the parents say, especially those who are believers. हर एक का इस आधुनिक युग में एक सपना होता है, एक चाहत होती है, ये करो वो करो. पर खास तौर से इस बात पे गौर करिए कि जो आपके माँ बाप हैं वो क्या कह रहे हैं, और खास तौर से उनकी बात पे जो विश्वासी हैं. That's right. ये बात ठीक है. And whatever you do, do it in such a way with an aim, a motive. I don't want to miss meetings. और जो कुछ आप करें इस उद्देश्य से करें कि मैं मीटिंगें नहीं मिस करना चाहता. And you will find you will be blessed. और आप ये पाएंगे कि आखिरकार आपको आशीष जरूर मिलेगी. Brother, the biggest one is the rapture. It's going to take one of these days. Amen. आप पाएंगे कि सबसे बड़ी आशीष तो वो रैप्चर है जो कि इन्हीं किन्हीं दिनों में घटने वाला है. You become a doctor and an engineer or a HRD manager, whatever, brother. There are so many branches now and so many things. Half of them I don't even know, but there are people. What good would it do if you miss that rapture? आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आप एचआरडी मैनेजर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बन सकते हैं, पर क्या होगा उसका फायदा
अगर आपने रैप्चर मिस कर दिया. इन एनी केस बाय नेक्स्ट ईयर एंड यू आर गोइंग टू सी द क्रैश. और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगले साल के खात्मे तक आप एक बहुत बड़ा गिरावट देखेंगे, टूटना देखेंगे. But I want to tell you, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, the greatest decision, सबसे बड़ा फैसला, if somebody could make, अगर कोई कर पाए, is to find this Christ, वो ये है कि वो इस मसीह को पाले. Amen. That is one decision you will never regret in your life. Amen. ये एक ऐसा फैसला है जिसके विषय में आपको कभी भी अपने जीवन में पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. One book you'll never regret reading. एक किताब जिसको आपको पढ़ने में के बाद कभी पछतावा नहीं होगा. Amen. You never waste time when you're reading it. आप कभी अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं जब आप इस किताब को पढ़ते हैं. You're actually gaining time. आप वास्तविकता में आप समय का उपयुक्त समय उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं. It's like a pastor to you. ये एक पास्टर है जो आपसे कह रहा है. Learn from somebody's experience. किसी के अनुभव से सीख लीजिए. Amen. I don't want you to waste time. मैं नहीं चाहता कि आप अपने समय को बर्बाद करें. Like the previous generation did. जैसा कि पिछली पीढ़ी ने किया. That's right. ये बात ठीक है. We want you to be progressive a little more further. हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और उन्नतिशील हो आगे की ओर. That's right. You never regret reading this book. जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है. कभी आपको अफसोस नहीं होगा इस किताब को पढ़ने के बाद. When you come in His presence. जब आप उनकी मौजूदगी में आते हैं. And the presence of the Lord strikes you. और प्रभु की मौजूदगी आपको छूती है. It's much, much more than dollars and money and anything. ये कहीं ज़्यादा, ज़्यादा बढ़कर है डॉलरों से, पैसे से या किसी भी चीज़ से. It's worth a million lives. ये 10 लाख जीवन की बराबर है. You see, when you receive that push. अब आते हैं जब वो आप वो एक झटका. When that inspiration strikes your heart, वो प्रेरणा जब आपके हृदय को छूती है, and you know my Lord has talked with me, Amen. और आप जानते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझसे बात की है, and you know you received that breath of God, और आप जानते हैं कि आपने उस खुदा के श्वास को अपने जीवन में पाया है. That's worth more than anything. इसका मूल्य किसी भी चीज से ज्यादा बढ़कर है. Amen. God bless you. God really bless you. Amen. खुदावन आप सबको बधाई से बरकत दे. God bless us. God bless the families. खुदावन हमें बरकत दे, हमें परिवार को, परिवारों को भी बरकत दे. But be watchful. पर सतर्क होइए. Let us not make mistakes like the previous ones did. हम ऐसा ना हो कि उन गलतियों को करें जैसा पिछली पीढ़ियों ने किया. That's right. ये बात ठीक है. We have examples, as Paul says. हमारे पास उदाहरण है जैसे पौलुस कहते हैं. So let's learn from those examples. पर आइए, आइए कि हम उन उदाहरणों से सीखें. Don't just sit on high end revelations with yourself. Get down in level to that child. Amen. ऊंचे ऊंचे प्रकाशनों में ऊपर ही मत बैठे रहिए, पर नीचे उस बच्चे के सर पे जरूर आइए, उसके साथ बैठिए. After all, that is also a life. आखिरकार वो भी तो एक जीवन है. And he needs eternal life. और उसे भी अनंत जीवन चाहिए. So he needs to know the basics. तो उसे भी आधारी बातों को जानने की जरूरत है. Teach him. उसे सिखाइए. That's right. ये बात ठीक है. So anyhow, God really bless you. तो खुदावन आपको बरकत दे. And the best thing, as the brother Branham said, a godly parent can do is bring their child to the church. और सबसे उत्तम बात यह है कि एक खुदाई माँ बाप वो ये काम कर सकते हैं कि अपने बच्चे को चर्च में लेके आए. That's right. Fellowship is very important. ये बात ठीक है क्योंकि संगति बहुत महत्वपूर्ण है. I tell you, I've seen lives ruined. मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने देखा है जीवन बर्बाद हो गए. Because of lack of fellowship. उस संगति के अभाव से. You don't realize the value of this church. आप समझते नहीं कि क्या महत्व, क्या मूल्य है इस कलीसिया का. The value of these meetings. In meetings, क्या माप है, क्या मूल्य है, value है. It's worth more than anything. ये किसी भी चीज़ से बढ़कर है. Amen. Tell me, folks, the whole day you have spent in the world with a bunch of neurotics. आप मुझे बताइए कि आपने पूरा दिन बताया दुनिया में
एक पागलों के झुंड के साथ. Maybe a gay called you. हो सकता है एक समलैंगिक ने आपको फोन किया हो. Maybe a perverted called you. हो सकता है एक बिगड़े हुए शख्स ने आपको कॉल किया हो. Yesterday I was in a metro. कल मैं मेट्रो में था. And while I was traveling from Horsecars to Chhatarpur. और जबकि मैं यात्रा कर रहा था हॉस्का से छतरपुर की ओर आ रहा था. Here is a boy. यहाँ एक लड़का है. Exactly like a female. बिल्कुल एक औरत, एक लड़की दिख रहा है. Long hairs. लंबे बाल. With earrings. जिसमें कान में बुंदे पहने हैं. Just like a girl does. ठीक जैसे लड़की करती है. Think of that. सोच के देखिए इसके बारे में. That too is a soul. वो भी एक तो प्राण है. But lost. पर बर्बाद है. Doesn't know the way. मार्ग जानता नहीं. How many of you have seen that old movie called The Robe? आप में से कितनों ने वो पुरानी मूवी The Robe देखी है? Amen. Yes. There's one scene there. एक वहां दृश्य है. Here's a man running to find Christ. यहां पर एक आदमी है जो दौड़ रहा है कि मसीह को ढूंढे. Where is he? Tell me. कहां है वो? बताओ मुझे. And here's a man. और यहाँ एक आदमी है. A little dark slick and he's running. और बहुत ही अजीब सा, काला सा है और भाग रहा है. And he comes on the way. और वो रास्ते में बीच में आ जाता है. Where is Christ? मसीह कहाँ है? He said, they've taken him to the cross. उसने कहा कि वो तो उसको क्रूस पे ले गए. He said, sir, please, can you lead me to him? उसने बोला कि श्रीमान, क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? He said, I cannot. उसने बोला, मैं नहीं ले जा सकता. Who are you? तो तुम कौन हो? I am Judas. मैं यहूदा स्क्रूती हूँ. I sold him. मैंने उसको बेच दिया. And I am feeling bad. और मुझे बुरा लग रहा है. You see, those scenes speak something. आप पाएंगे वो दृश्य कुछ बोलते हैं. Today, Brother Branham said. आज भाई ब्रह्म ने कहा. See, I'm not come to my subject. आप पाएंगे मैं अपने विषय पे नहीं आया. I'll come to it, but I'll show you something. मैं उस पे आऊँगा, पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. God bless you. He said, Elvis Presley. उन्होंने कहा. Elvis Presley, Pat Boone, the greatest indebtment to this nation, सबसे बड़ा कर्जा जो कि इस राष्ट्र में कभी हो, playing Christian rock and roll, जो कि बजाते हैं मसीही रॉक एंड रोल को, rock and roll and Christian music, rock and roll music भी और मसीही music भी दोनों. These are words Brother Branham used. और ये वो बातें हैं, ये शब्द भाई ब्रह्म ने इस्तेमाल किए. A modern Judas. एक आधुनिक यहूदा स्कूती. He said Judas sold Christ for 30 pieces of silver. Elvis has sold him for a fleet of Cadillacs. उन्होंने कहा कि यहूदा स्कूती ने मसीह को 30 चांदी के टुकड़ों के लिए बेचा और एल्विस प्रेस्ली ने एक कैडिलैक गाड़ी की फ्लीट के लिए उसे बेच दिया. In a similar way, some sell him today for nail polish. उसी तरीके से कुछ उसे बेचते हैं नेल पॉलिश के लिए. Some sell Christ for bobbed hairs. कुछ मसीह को बेचते हैं बाल काटने के लिए औरतें. Some sell Christ for a better living, but a sinful one. कुछ लोग जो हैं मसीह को बेचते हैं एक बढ़िया जीवन बिता रहे हैं पर वो भी होता है पाप में वाला. A sinful money. एक ऐसा पाप में पैसे का उपार्जन. They have sold Christ. उन्होंने मसीह को बेच दिया है. That's right. ये बात ठीक है. Esau sold it for a meal ticket. Esau ने उसको पैसे के लाभ के लिए बेच दिया. Judas sold it for 30 pieces of silver. और यहूदा स्क्रूती ने उसे 30 चांदी के टुकड़ों के लिए बेच दिया. Some boys sell it for a fashion. कुछ लड़के उसको फैशन के लिए बेच देते हैं. Some sell it for gains which they get on this earth. कुछ उसको उन लाभों के लिए बेच देते हैं जो उन्हें इस दुनिया में मिलते हैं. Mind you, Judas never found repentance. गौर करिए इस बात पे, यहूदा स्क्रूती को कभी भी तौबा का अवसर नहीं मिला. Blessed is a Jacob, I would say, who found repentance. Amen. मुबारक है कि याकूब जिसे वो तौबा का मौका मिला. So these are things to understand. तो ये कुछ ऐसी बातें समझने वाली. That's right. ये बात ठीक है. You see that today, brother. आप पाएंगे उस बात को भाई. Selling Christ. मसीह को बेचना. Selling this message. इस संदेश को बेचना. Selling a eternal life gospel. एक अनंत जीवन के सुसमाचार को बेच देना. For some petty things. कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए. But that's what's happening on this earth. पर यही चीज हो रही है इस पृथ्वी पे. But in the midst of this all, पर इस सब के बीच में, God has kept you. खुदा ने आपको बरस संभाल के रखा है.
बना के रखा है इन दिस मैसेज, इस संदेश में. आमेन. आई टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. दैट डे, उस दिन, ऑन लॉर्ड्स टेबल, प्रभु की मेज पे, लॉर्ड सेड, प्रभु ने कहा, वन ऑफ यू शैल बिट्रे मी, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा. लिसन केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनिए. द रियल कैंडिडेट नेवर स्पोक एनीथिंग. जो वास्तविक बंदा था, जो पकड़वाने वाला था, वो तो चुप रहा, खामोश, उसने कुछ नहीं बोला. अदर्स हु व्हाट डिडंट सेल हिम, जो दूसरे उसे बेचना नहीं चाहते थे और ना बेचा, दे वर द वंस, लॉर्ड इज इट मी, वो थे जो चिंतित थे और कह रहे थे, प्रभु क्या ये मैं हूं, इज इट मी, क्या ये मैं तो नहीं. सेम थिंग टुडे, वही चीज आज है. Those are concerned, Lord, find, search me, try me, see if there is anything wrong in me. वो लोग जो चिंतित हैं कह रहे हैं, प्रभु मुझे जांच, मुझे खोज, और मुझे में कोई गलत है तो उसको बता मुझे. Make me right. मुझे ठीक कर. I'm ready to repent, Lord. मैं तैयार हूँ तौबा करने के लिए प्रभु. They're not the actual ones who are selling him. वो वास्तविक नहीं है जो उसे बेच रहे हैं. The sellers are different people. परंतु बेचने वाले कुछ फर्क लोग हैं. Conscious, as the Bible says, seared with hot iron. उनका जैसे विवेक जो है जलते हुए लोहे से दागा गया है, जैसे बाइबल कहती है. They don't have anything to do with the word. उनका कोई लेना देना नहीं है वचन से. Twice dead. दो बारी मरे हुए. Wandering clouds. भटकते हुए बादल. Hidden rocks. छुपी हुई चट्टाने. That's what the scripture says. यही वचन कहता है. Amen. But I want to say, brother. पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा मेरे भाई. Be strong. दृढ़ हो जाइए. And catch hold and contend for the faith. और थामे रहिए और इस विश्वास के लिए बड़े यतन से कुश्ती लड़ते रहिए. One of these days. इन्हीं किन्हीं दिनों में. We all. I'll say we all. मैं कहूंगा हम सब. Will be gone. हम चले जाएंगे. These meetings are not going to go on. ये मीटिंगें चलती नहीं रहेंगी. God is not going to keep his bride, if I should say, in the stinking urinal. मैं खुदावन अपनी दुल्हन को जैसा मैं कहूंगा इस बहुत ही ज्यादा बुरी बदबू वाले यूरिनल में नहीं रखेगा अपनी दुल्हन को. He'll take his masterpiece to the garden. वो अपने सर्वोत्तम रचना को उस बाग-ए-दन में ले जाएगा. Amen. That's what we are praying for. इसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. Pray, 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 pray. प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए. Be on your knees. अपने घुटनों में बने रहिए. And pray more in this time. Watch and pray that you don't fall in temptation. और इस समय और अधिक आय से प्रार्थना करिए, देखिए, जागिए कि आप अजमाइश में ना पड़े. One more exercise I'm giving you. एक और अभ्यास जो मैं आपको दे रहा हूँ. Increase your prayer time. अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दीजिए. What you have in existing, increase it. जितना आपका अभी वर्तमान में है उससे कहीं ज्यादा बढ़ाइए उसे. And just observe things becoming more different. और गौर करिएगा कि चीजें बिल्कुल फर्क हो रही हैं. God really bless you. खुदावन आपको बरकत दे. And as we saw on Thursday, और जैसा हमने एक थर्सडे देखा, अनएक्सपेक्टेड प्लेस, अनपेक्षित जगह, अनएक्सपेक्टेड टाइम, अनपेक्षित समय, इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, और एक अनअपेक्षित तरीके से, यू विल हैव एन आंसर टू योर प्रेयर. आपको जरूर मिलेगा जवाब आपकी प्रार्थना का. He that overcometh, वो जो जय पाए, the same shall be clothed in white raiment. उसे ही श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा. And I will not blot out his name out of the book of life. और उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक से किसी रीति ना काटूंगा. I write those categories. मैं उन श्रेणियों को यहाँ लिखूंगा. Which I wrote last time. जिनको मैंने पिछली दफा लिखा था. Names in lamb's section. नाम मेमने वाले भाग में. They can never be cut. जिन्हें कभी काटा नहीं जा सकता. Names in book of life. नाम जीवन की पुस्तक में. They are not cut. जो कटे नहीं. Names in book of life. नाम जीवन की पुस्तक में जो थे. Which are cut. जो काट दिए गए. That's very interesting. We shared it last time, but we'll see something more. हम बहुत ही दिलचस्प है, हम बहुत ही interesting है. हमने इसको share किया था, पर हम कुछ और देखेंगे इसमें. Names never written. और नाम जो कभी लिखे नहीं गए. Follow with me, church. मेरे साथ चलिए कलीसिया. And try to understand. समझने की कोशिश करिए. Now,
We saw one category last time. हमने एक श्रेणी को पिछली दफा देखा था. Judas. यहूदा स्क्रूती. Those who made a golden calf. वो लोग जिन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया. And some other such characters. और कुछ और ऐसे चरित्र. Whose names were blotted out of the book. जिनके नाम पुस्तक में से काट दिए गए थे. Now, listen very carefully. अब बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए. Go with me in the message now. मेरे साथ अब संदेश में आगे चलिए. We heard about blotting out of the names. हमने सुना है नाम के काटे जाने के विषय में. Is that right? क्या बात ठीक है? Now turn with me to Revelation 22. अब मेरे साथ निकालिए प्रकाशवा के 22वां अध्याय. And I'm reading from verse 18 and 19. और मैं 18वीं और 19वीं आयत से पढ़ रहा हूँ. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Yes. मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा. If he adds, अगर वो जोड़े, plagues are added, तो विपत्तियां उसमें जुड़ जाती हैं. And there's no plagues for the bride. और कोई विपत्ति दुल्हन के लिए नहीं है. Amen. And plagues came when the vials were poured. और विपत्तियां तब आई जब कटोरे उंडेले गए. On whom? किस पे? These vials were poured on whom? ये कटोरे किस पे उंडेले गए? Those who added. वो जिन्होंने जोड़ा. Amen. Interesting, नहीं? दिलचस्प, जी हाँ. Verse 19. 19वीं आयत. This is one verse which I want you to read. ये कैसी आयत है जो मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ? And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, God shall take away his part out of the book of life. तो खुदावंद उसके हिस्से को जीवन की पुस्तक से निकाल देगा. In this place, it doesn't say his name. इस जगह वो उसके नाम को नहीं कहता. His part, उसके हिस्से को. Clearly, if you read the scripture, स्पष्ट तरीके से अगर आयत को पढ़ें, he has a part, उसका एक भाग है, उसका एक हिस्सा है. Some part of the book of life belongs to him. Amen. कुछ हिस्सा जीवन की पुस्तक का उसका है अपना. What is that? क्या है वो? Bible, if I should say in simple words. Bible, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं. We'll qualify it further a little more. हम इसकी और विशेषता बताएंगे आगे. I will take out his part. मैं उसके हिस्से को निकाल दूंगा, उसके भाग को निकाल दूंगा. There was some part, कुछ हिस्सा था. Which was him, जो वो था. That part was his inheritance. वो भाग, वो हिस्सा, वो उसकी मिरास थी. Now are you catching something? क्या आप कुछ बात पकड़ रहे हैं? Some part which he had to fulfill. कुछ ऐसा हिस्सा जो उसे पूरा करना था. Are you listening now? क्या आप सुन रहे हैं आप? Some part that I have kept for the bride. कुछ हिस्सा जो कि मैंने दुल्हन के लिए रखा है. Some part that I have kept for the elect. कुछ हिस्सा जो मैंने चुने हुए के लिए रखा है. I will take his part out of that. मैं उसके हिस्से को उसमें से बाहर निकाल लूंगा. Now he's not just saying names. अब वो केवल नाम नहीं कह रहा. He's saying I'll take out his part. वो ये कह रहा कि मैं उसके भाग को, उसके हिस्से को निकाल दूंगा. Listen now, I'm reading further. आगे सुनिए, मैं आगे पढ़ रहा हूँ. His part out of the book of life. उसके भाग को जीवन की पुस्तक में से. Out of the holy city. पवित्र नगर में से. And from the things which are written in this book. और उन बातों में से जो इस पुस्तक में लिखी हैं. In other words, दूसरे शब्दों में, there are things which are written in this book. कुछ बातें हैं जो कि इस पुस्तक में लिखी हैं. What? क्या बातें? Some promises. कुछ वायदे. Some things which need to be fulfilled. कुछ ऐसी बातें जो कि पूरी करनी जरूरी हैं. I will take out his part. मैं उसके भाग को उसमें से निकाल दूंगा. That promise would have come in his life. Amen. वो वायदा उसके जीवन में पूरा होता. But he lost his part. पर उसने अपने भाग को खो दिया. When the time comes for that promise to be fulfilled. जब समय आया कि वो वायदा पूरा हो. He misses his part. वो अपने वायदे को पूरा करने में चूक जाता है.
He misses his part. वो अपने भाग को, अपने हिस्से को पाने में चूकता है. Which is found in that promise. जो कि उस वायदे में पाया जाता है. I hope you are listening today. मैं आशा करता हूँ आप सुन रहे होंगे अब. So the removing of a name. तो एक नाम का हटाया जाना. Is actually removing of a part. वो वास्तविकता में अपने भाग का हटाया जाना है. A part in the book. पुस्तक में जो आपका एक हिस्सा है उसको हटाया जाना. Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए. In other words, दूसरे शब्दों में, before the foundation of the world, जगत की नेव रखने से पहले, I allotted a word to this man. मैंने एक वचन इस आदमी के लिए ठहराया था. That when that time comes, कि जब समय आएगा, he would fulfill that word. कि वो इस काम, इस वचन को पूरा करेगा. But now, परंतु अब, he lost his part. उसने अपने हिस्से को खो दिया. His part is taken out. उसका हिस्सा हटा दिया गया. Now think of that. अब इसके बारे में सोचिए. Because we have another category. क्योंकि हमारे पास एक और श्रेणी है. Whose names can never be taken out. जिनके नाम कभी भी हटाए नहीं जा सकते. Then what is that name? तो फिर वो नाम क्या है? A portion. एक हिस्सा. A part. एक भाग. In the book. पुस्तक में. A allotted word, एक ठहराया हुआ वचन, which that saint had to fulfill, जिसको उस संत को पूरा करना था, which that brother and sister had to fulfill, जिसको उस भाई और उस बहन को पूरा करना था, that part will never be taken away, वो भाग कभी भी हटाया नहीं जाएगा. Amen. His part shall not be taken from him, उसका भाग कभी भी उससे लिया नहीं जा सकता. There's a part, एक भाग है उसका, in the book, पुस्तक में. There are some paragraphs. कुछ paragraph है. There are some lines. कुछ लाइनें हैं. Some verses. कुछ आयतें हैं. Hallelujah. Which needs to be fulfilled in that life. जो जरूरी है कि उस जीवन में पूरी हो. He has to say. उसे कहना है. Like Christ did. जैसा मसीह ने कहा. I am that scripture. मैं ही वो वचन की आयत हूँ. I am that. Right. Let this happen. ऐसा हो. That we fulfill all righteousness. कि हम सारी धार्मिकता को पूरी करें. What is that righteousness? वो धार्मिकता क्या है? The word written for us. वो वचन जो हमारे लिए लिखा गया है. Let us fulfill that. आइए हम उसको पूरा करें. Christ, as the Son of God, never lost his part. मसीह खुदा के पुत्र होने के नाते कभी भी उसने अपने भाग को नहीं खोया. And he fulfilled his part. और उसने अपने भाग को पूरा किया. And he received the rest. और उसको वो विश्राम मिला. He received from God. और उसे वो खुदा से मिला. The rest, what was for him? The rest which was for, not the rest, rest of the things which were for him. बाकी का सब कुछ जो उसके लिए ठहराया गया था. All power in heaven and earth has been given to me. सारा स्वर्ग और पृथ्वी पे अधिकार मुझे दिया गया है. He never lost his part. उसने कभी भी अपने भाग को नहीं खोया. But Judas lost his part. पर यहूदा ने, यहूदा स्क्रूती ने अपने भाग को खो दिया. Now just a minute, let us read a scripture. अब एक मिनट, आइए हम एक आयत पढ़ेंगे. Turn with me to the book of Acts. मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाश की किताब, वो प्रेरित काम की किताब. God bless you, chapter 1. खुदावन आपको बरकत दे. पहला अध्याय. And they're appointing another man called Matthias. और वो एक और आदमी को नियुक्त कर रहे हैं जिसका नाम मतियास है, मतिया है. And now in chapter 1 first we'll read verse 16 and 17. और पहले अध्याय में हम 16वीं और 17वीं आयत पहले पढ़ेंगे. You know this is the name that was blotted out of the book. आप जानते हैं ये वो नाम था जो कि पुस्तक में से काट दिया गया. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था. Verse 17. सातवीं आयत. For he was numbered with us and had obtained part of this ministry. क्योंकि वो हम में गिना गया. हाँ, वो तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ. He had a part. उसका एक भाग था. In that ministry. उस सेवकाई में. Under the Son of Man. मनुष्य के पुत्र के नीचे. Now let me show you another scripture. अब आइए मैं आपको एक और आयत दिखाऊंगा.
We can go on, but I'll jump it. And it shows how he sold Christ, and that money was used to buy a piece of land. Now I'm reading from verse 20. अब मैं 20 वाँ से पढ़ रहा हूँ, हम आगे बढ़ सकते हैं। Again talking about Judas. फिर से बात कर रहे हैं यहूदा स्क्रूती के बारे में। For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, और उसमें कोई ना बसे, और ऐसा हो कि उसका पद कोई दूसरा ले ले. His bishopric, उसके अगुए होने का पद, let another take, ऐसा हो कि कोई और ले ले. Yes, he was appointed as a leader. उसे एक अगुए के रूप में ठहराया गया था. He had obtained a part of the ministry. उसे सेवकाई का एक हिस्सा मिला था. But now there's something new tonight. पर आज रात्रि कुछ नई बात आ रही है. God, खुदावन, appoints somebody a part. किसी को एक हिस्सा दे देता है. Knowing this, इस बात को जानते हुए, he will lose it. कि वो इसे खो देगा. My, and yes. This one, और ये, who will be born without that part, जो कि बिना उस हिस्से के पैदा होगा, he will get that part. उसे वो हिस्सा मिल जाएगा. Amen. Amen. It'll appear for some days. कुछ समय तक ये लगेगा. That this man has no part. कि इस आदमी के पास कोई हिस्सा नहीं है. But this one will lose it. पर ये जो है अपने हिस्से को खोएगा. And he will get that part. और उसे वो वाला हिस्सा मिलेगा. And he will never lose it. और वो उसे कभी नहीं खोएगा. Amen. I believe it. Amen. Isn't it strange? क्या ये विचित्र नहीं? How our God works. कैसे हमारे खुदावन काम करते हैं? That's true. Amen. किसी को खुदावन एक सेवक करके अनॉइंट कर रहा है, सेवकाई दे रहा है, काम ले रहा है, इस मंशा से कि एक दिन ये हटेगा और इसका हिस्सा मैं अब एक और को दूंगा. Amen. Yes. क्या आपको मालूम, आपने नबी का मैसेज भी पढ़ा, मैं हिंदी में बोलूंगा. जब खुदा ने 12 चुने, का क्या तुम में से एक शैतान नहीं? खुदा को क्या मालूम नहीं था क्या होने जा रहा है? उसी समय उसने पौलुस सोच लिया था. जिस दिन 12 चेले चुने जा रहे थे, पौलुस खुदा के मस्तिष्क में सोचा जा चुका था. इस तरीके से यह 12वां, जिसका नाम यहूदा स्क्रूती है, अपने हिस्से को खोएगा. उन्होंने खैर मतिया को इंक्लूड किया, लेकिन खुदावन की चॉइस तो पौलुस था, आप जानते हैं. और वो अगुवाई, बिशपरेक इंग्लिश में लिखा है, वो एक अगुआ होना, वचन के प्रचार में सेवकाई को लेके आगे बढ़ना. क्या सेवकाई मिली थी मनुष्य के पुत्र के अधीन यहूदा स्क्रूती को? जो पार्ट उसने लूज किया, मालूम कौन सा पार्ट था? कौन सा पार्ट लूज किया आप बताइए. चलिए, आप लोग तो बहुत मैसेज पढ़ते ही हैं. आपको मालूम 24 प्राचीन है, जिसमें से 12 चेले थे. उस कुर्सी पे यहूदा स्क्रूती को बैठना था. वो कुर्सी उसके पास से गई, जो खुदावन के पूर्व ज्ञान में था पहले से. वैसे कोई खुदा तो खुदा ही है. ये कुर्सी पे मैं बैठाऊंगा अब इसे, इस हुक्ड नोज ज्यू को. समझ आ रही है? एक यहूदी, बिन्यामीन के गोत्र का, तार्सस का है, खुदा के लिए जील है, पहले मसीह का सताने वाला और बाद में मसीह के लिए मरने वाला. खुदावन की चॉइस तो वही थी, मतिया नहीं था. तो आप पाएंगे कि वो 24वीं कुर्सी पे कौन बैठा जाके? पौलुस, जैसा हमें दिखाई देता है. 12 पूर्वज, गोत्रों के प्रधान और 12 चेले. अब यहूदा स्क्रूती तो था नहीं, वो 24वीं कुर्सी उससे खाली हो गई. तो ये अब मान के चलिए, आज एक नए सिद्धांत को समझें कि खुदावंद
एक पार्ट बांटते हैं, बांट चुके पहले से, कुछ के लिए जान के। आपको याद है कि जब ट्रेन में चढ़ते हैं और जब कभी रिजर्वेशन ना मिले तो किल्लत होती है यार, बर्थ मिल जाए तो काली कोट पहनी औरत या आदमी, आजकल दोनों ही मिलते हैं ट्रेन में, वो ये कहते हैं रुको, अभी देखते हैं कि ये आता है, चढ़ता है स्टेशन पे, नहीं चढ़ता है। अगर ये ना चढ़े और ये बर्थ खाली रही, ये मैं आपको दे दूंगा। तो मतलब पहले से इलेक्शन में ये जाना गया कि कुछ को बर्थ मिली थी, उनका नाम लिस्ट में लगा था, लेकिन वो टाइम से चढ़ नहीं पाए कि अपनी बर्थ को क्लेम करें। और तब वहां और बैठे हैं, खड़े, लाइन लगी है टीटी के साथ, ये तुम्हारी, इस पे तुम लेट जाओ, इस पे तुम लेट जाओ। नहीं, सो यहां पर एक आज नया राज खुलेगा। इस तीसरी कैटेगरी में एक बड़ा राज छिपा है। द नेम्स विच आर ब्लॉटेड आउट, वो नाम जो काटे गए, आर पार्ट्स विच आर टेकन फ्रॉम देम, वो हिस्से थे, वो भाग थे जो उनसे ले लिए गए, टू बी गिवन टू अदर्स, ताकि वो दिए जाए दूसरों को। ओह माय, हालेलुया, ओ मैं इतना तेजस महसूस करता हूं। आमेन। नाउ रीड्स क्वेश्चन आंसर 1964। अब पढ़िए प्रश्न उत्तर 1964। आई एम फॉरगेटिंग दैट क्वेश्चन, मैं उस सवाल को भूल रहा हूं। But that question is where Brother Branham starts answering about El Shaddai. पर वो सवाल है जहाँ भाई ब्रैनम उत्तर देना चालू करते हैं El Shaddai के बारे में। Taking the life and stations of Abraham. जीवन और को जो तमाम गंतव्य जिन पे अब्राहम गया उनमें से गुजरा। Justification. पवित्री धर्मी ठहर जाना। Genesis 12. उत्पत्ति 12. Coming out of Mesopotamia. मेसोपोटामिया से बाहर निकलना। Genesis 15. उत्पत्ति 15. Covenant by blood. लहू के द्वारा वाचा। Sanctification, Wesley. पवित्रीकरण अर्थात वेस्ली। Then came Pentecostal age. फिर आया पेंटिकॉस्टल युग। When circumcision came. जब खतना आया। When the Holy Ghost came. जब पवित्र आत्मा आया। Brother Branham said that's when he comes as El Shaddai. भाई ब्रैनम कहते हैं वो समय है जब वो El Shaddai के रूप में आते हैं। With his breasts. अपने स्तनों के साथ। रुकिए। Yes. क्योंकि अगली लाइन में आपके सामने कोट करूंगा। Amen. But now he said there's a question to these Pentecostal babies. पर उन्होंने बोला कि अब ये सवाल है इन पेंटिकॉस्टल बालकों से, विल दे सक फ्रॉम दोज ब्रेस्ट, क्या वो उन स्तनों से दूध पिएंगे। देन गॉड टुक दोज ब्रेस्ट, हिज ब्रेस्ट, एंड ब्रॉट इट फॉर सम अदर्स। आमेन। और फिर खुदावन ने अपने स्तनों को लिया और कुछ दूसरे अन्य लोगों के लिए लेके आया जिनका नंबर नहीं लग रहा था। यस, हालेलुया। ऐसा लगता है कि इनका नंबर नहीं लगेगा, लेकिन खुदा ने लाइन में आगे उन्हें खड़ा किया जिनके नाम कटे, इनका कटा, इनका लगा। हाँ, ये अलग बात है, ये राज की बात है, पहले से खुदा जानते थे इसका भाग है। Yes, amen. लेकिन इसका भाग छिपा है इसके भाग में। Amen, hallelujah. जो ये खोएगा वो ये पाएगा। समझ में आई आपके? हालेलुया। सो कुछ नाम कटने वाले भी हैं, लेकिन नाम का कटना क्या है? एक भाग का कटना। Amen. उसका भाग मैं जीवन की पुस्तक से निकाल दूंगा। वो खाली एक नाम नहीं है, नाम जैसे क्या नाम ले लें, कोई सा भी नाम ले लीजिए, फ्रांसिस भाई नहीं, प्लीज, वो कई नाम है ऐसे, कोई सा उठा लीजिए, हरीश, महेश, ये भी सर अब तो गलत नाम से ऐसे ले लिए, कोई क्रिश्चियन नाम ले लेते हैं, डेविड, जॉन डो, गॉड ब्लेस ब्रदर, कोई सा भी नाम ले लीजिए, जैसे भाई ब्रनम लेते थे, ऐसे नाम उठा लेते हैं जो नाम किताब में लिखे गए। खुदावन जानते थे एक दिन ये फलाना फलाना इस स्टेप पे, इस तारीख को, इस मीटिंग में यहां फिसलेगा, और जब ये हटेगा तब मैं इसे बढ़ाऊंगा। कुछ आई समझ में आपके? लगेगा कुछ समय तक कि यह भाग इसका है। आइए मैं अब बाइबल में और आगे पढ़ूंगा आपके लिए।
So that you understand what the Bible says. ताकि आप समझे जो बाइबल कह रही है. In the book of Acts. प्रेरितों के काम की पुस्तक में. This is before the Holy Ghost came. ये पवित्र आत्मा के आने से पहले है. Let his bishopric let another take. और ऐसा हो कि उसके अगुवाई का पद कोई और ले ले. Wherefore then father they put a lot and they chose Matthias. फिर उन्होंने चिट्ठी डाली और फिर मत्तियाह को चुना. And I'm reading from verse 24. और अब मैं 24वें ऐसे पढ़ रहा हूं. And they prayed and said, Thou Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen. और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है. That he may take part of this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell. कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिससे यहूदा स्क्रूति छोड़कर अपने स्थान को चला गया. ये ले, आमीन, जो ये छोड़ गया. आमीन. Now you'll understand one more thing. अब आपको एक और बात समझ में आएगी. Even the posts of fallen angels are vacant. यहां तक कि गिराए हुए दूत की भी जो जगह है, पोस्ट है, वो भी खाली है. Yes. When God made those millions of angels. जब खुदा ने वो दसियों लाख दूत बनाए. When he made Lucifer for singing and worship. जब उसने लूसीफर को और इन तमाम दूत को उपासना और उपासना और बस गाने के लिए बनाया. And they fell from their original estate. और वो अपने मूल पद से गिर गए. They lost their part. उन्होंने अपने हिस्से को खो दिया. And can never regain it. और कभी भी उन्हें वापस उनका हिस्सा नहीं मिलेगा. But that place remains. पर वो जगह खाली रह गई है. Who will fill it? कौन उसे जाके भरेगा? Then God had some people in his mind. फिर खुदा के दिमाग में कुछ लोग थे. In the message adoption, Brother Branham said. उस संदेश पुत्राधिकार वाले संदेश भाई ने कहा. God wanted a better worship. खुदा वने कुत्ता उपासना चाहते थे. He wanted a worship of someone. वो एक ऐसे की उपासना चाहते थे. Come on, church. आइए कलीसिया. Who has been redeemed. जो छुड़ाई हुई है. Who understands the value of the blood. जो कि लहू के महत्व को उसके उसके मूल्य को जानती है. God wanted that worship. खुदा वन ऐसी उपासना चाहते थे. And those angels अवेदूत, who lost that part, जिन्होंने अपने उस हिस्से को खोया. For Lucifer it says, लूसिफर के बोल कहता है, you moved amongst the stones of fire. तू आग के जलते हुए शोलों के बीच में चलता था, पत्थरों के बीच में चलता था. तो उस अग्निमय पत्थरों के बीच में चलता था. That's diamonds. वो वास्तविकता में हीरे हैं. Yes, amen. You are an anointed kerub. तू अभिषेक छाने वाला करूब था. That anointing was his part. वो अभिषेक उसका हिस्सा था. My hallelujah. To move on that mountain of diamonds was his part. उन हीरों के पहाड़ पे चलना उसका ये हिस्सा था. He lost it. उसने इसको खो दिया. Never to regain it. कभी नहीं कि उसको पा पाए. Never, never. कभी नहीं मिलेगा उसे वापस वो. But who will take it? पर कौन उसे लेगा? Who will move on that peak? कौन उस चोटी पे चलेगा? Who are the stones of fire tonight? वो आग के अग्नि में पत्थर आज कौन है रात्रि? Hallelujah. If he missed that anointing, अगर उसने उस अभिषेक को खोया, then who will that anointing come upon? तो कौन होगा वो जिसके ऊपर अभिषेक अब आएगा? My, my, hallelujah. Oh church, oh kalisya, something new is opening up. कुछ नया खुल रहा है. Catch this. इसे पकड़िए. Somebody misses a part. कोई है जो अपने पद को खोता है, हिस्से को खोता है. And somebody gets his part. और कोई है जो उसके हिस्से को प्राप्त करता है. Hallelujah. My. Amen. 2 million, approximately, I would say, barring two people, that is Joshua and Caleb, missed their part. 20 लाख लगभग मैं कहूंगा, केवल दो लोगों को छोड़ के, जोशुआ और केलेब को, उन्होंने अपने हिस्से को पाने में चूक गए. Got that part. किसे मिला वो हिस्सा? The next generation. अगली पीढ़ी को. Their children. उनके बच्चों को. Somebody loses it, somebody gets what he lost. कोई जना उसे खोता है और कोई जना वो होता है जो उसको पाता है जो उसने खोया पिछले वाले ने.
Two Tuesdays have gone and I'm still on that third category. दो मंगलवार बीत गए और मैं अभी भी उस तीसरी श्रेणी में हूँ. But there are some things that the Lord shows, so I said I'll show it to you. Amen. God bless you. पर कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु दिखाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं. Somebody's part. किसी का हिस्सा. And you are enjoying it tonight. और आज आप उसका आनंद ले रहे हैं रात्रि. Amen. Thank you, Jesus. Somebody lost it. किसी ने उसे खो दिया. Some names got blotted out. कुछ नाम काट दिए गए. Hallelujah. They lost their bishopric. उन्होंने अपनी प्रेरिताई के अगुए पद को खो दिया. They lost their anointing. उन्होंने अपने अभिषेक को खो दिया. Oh church, you don't know the value of anointing. ओ कलीसिया, आप उस अभिषेक के महत्व को, मूल्य को नहीं जानते. Isaiah says. यशायाह ने कहा. Anointing will break the yoke. अभिषेक जुओ को तोड़ देगा. Would you like yokes to be broken tonight? क्या आप चाहते हैं आज रात्रि जुए टूट जाए? Amen. Let me tell you something. आइए मैं आपको कुछ बताऊंगा. The songs that the seraphim sang. वो गीत जो कि सराफ गाते थे. To which Isaiah got thunderstruck. जिसके लिए यशाया बिल्कुल हक्का बक्का वाक रह गया उसको देख के. First meeting. पहली मीटिंग. First worship. पहली उपासना. That makes me understand that I am wrong. जो मुझे ये समझाती है कि मैं गलत हूं. Amen. All this while I never knew my mistakes. इतने समय तक के मैं अपनी गलतियों को नहीं जानता था. But this praise and worship and holy, holy, holy makes me see my faults. Amen. पर ये उपासना और तारीफ और ये पवित्र पवित्र का कहना मुझे मेरी गलतियां दिखा रहा है. Oh, I'm a man of unclean lips. Oh, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ. And let me tell you. और मैं आपको बताना चाहूंगा. In that worship one day. उस उपासना में एक दिन. Lucifer also was there. Lucifer भी वहां था. But he fell. पर वो वहां से गिर. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? हे लूसीफर, तू कैसे ऊंचे पैसे गिराया गया है. The son of the morning. भोर का पुत्र. Thou hast been the anointed cherub on the mountains of God. तू वो अभिषिक्त कुरूप था छाने वाला खुदा के पर्वतों पे. I'd like to read that verse with you. मैं उस आयत को आपके साथ पढ़ना चाहूंगा. Amen. Very interesting. Somebody loses a part. बहुत ही दिलचस्प. कोई है जो कि अपने हिस्से को खोता है. That's why Lucifer is against this bride today. इसलिए लूसीफर इस दुल्हन के विरोध में है. Because she gets, the members get that part. क्योंकि उसका जो हिस्से हैं उनको वो वाला, जो दुल्हन के हिस्से हैं उन्हें वो वाला हिस्सा मिलता है. दुल्हन के सदस्यों को उसके हिस्से मिलते हैं. Amen. जो कभी इंजॉय करता था. Yes. जब सही था. Yes. Yes. Let me see his part. आइए हम उसके हिस्से को देखें. Son of man, verse 12. बारहवीं आयत. मुझे चैप्टर भी बोलने की जरूरत नहीं है. बोलूं चैप्टर? No. या बिना चैप्टर बोले पढ़ना शुरू कर दूं? मेरे चर्च इतने साल सुनते सुनते उसको मालूम है कौन सा अध्याय पढ़ रहा हूं. यस. 14:28. याद है? आमेन. यशाया 14, हिजकेल 28. इतनी उलम याद रखो. 14:28. ये दो चैप्टर्स हैं बाइबल में जो स्पष्ट बताते हैं लूसीफर के बारे में. आमेन. मैं यशाया 14 नहीं, हिजकेल 28 पढ़ रहा हूं इसके भाग को दिखाने के लिए. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus and say unto him, Yes. फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे. Thus saith the Lord God. खुदावन यहोवा यूं कहता है. अब ये इसका भाग है. Thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. तू तो उत्तम से भी उत्तम है. Mm-hmm. तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है. अब वो बुद्धि किसे मिलेगी? Yes, my hallelujah. It's a thou sealest up wisdom, यानी तू बुद्धि की चरम सीमा पे था कि तू सारी बुद्धियों को मोहर बंदित करता था. यानी तेरी बुद्धि फाइनल मानी जाती थी जहां से तू मूर्ख बन गया, गिर गया, ये पाठ खो दिया. Now who'll get that seal? अब वो मोहर किसको मिलेगी? Amen. Who'll get that seal full of wisdom? वो मोहर
जो उस ज्ञान से बुद्धि से भरी है किसे मिलेगी? एंड परफेक्ट इन ब्यूटी, और सर्वांग सुंदर था. हु विल बिकम दैट ब्यूटिफुल एंड इवन मोर देन दैट? कौन वो सुंदर बनेगा और यहां तक कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत? द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन. Amen. That's why he has been against that woman. इसलिए वो इस स्त्री के विरोध में रहा है. Because his part was taken and given to her. क्योंकि उसका हिस्सा लेके उस स्त्री को दिया गया है. His beauty was taken. उसकी खूबसूरती ले ली गई. And given to her. और इसे दे दी गई. My. That's why there's a perpetual fight between that woman and that serpent. इसलिए एक लगातार रहने वाली एक लड़ाई चलती रहती है इस स्त्री और उसमें. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप सब. I'll show you another part he had. मैं एक और हिस्से को दिखाऊंगा जो उसके पास था. Thou hast been in Eden, the garden of God. तू खुदा की अदन नामक बारी में था. But he lost it. पर उसने इसे खो दिया. Then who will get that Eden? तो फिर वो अदन किसको मिलेगी? Amen. Hallelujah. Let his part somebody else take. ऐसा हो कि उसके हिस्से को कोई और ले ले. और ये जो बहुत गुस्सा करता है, जिसकी नाक टेढ़ी है, जिसे बोलना नहीं आता, सरकास्टिक है, yes. लेकिन खुदावन की योजना में ये है. Hallelujah. जो उस हिस्से को ले. Amen. Some nobodies. कुछ नोबडी. Who are not. Who don't look much. जो बहुत ज्यादा दिखते नहीं कुछ. But God chose them. पर खुदा ने उन्हें चुना. To give them that part. कि उन्हें वो हिस्सा दे दे. Oh, my. Hallelujah. Amen. Do you know one day James and John, their mother came and said, when you come in your kingdom, make one son sit on the right hand and one sit on the left hand. आप जानते हैं कि याकूब और यूहन्ना की माँ जो है यीशु मसीह के पास आई और कहा कि जब आप अपने राज में आए तो एक को अपने बाएं और एक को अपने दाएं तरफ बिठाना. What did the son of man say? मनुष्य के पुत्र ने क्या कहा? It's not in my hand. ये मेरे हाथ में नहीं. But it's prepared for those. पर ये तैयार किया गया उनके लिए. That part has been prepared for some. वो हिस्सा कुछ के लिए तैयार किया गया है. I can't give it like that. मैं उसे ऐसे नहीं दे सकता. But it has been prepared for some. ये परंतु कुछ के लिए तैयार किया गया है. Who shall sit with me on my throne? जो मेरे साथ मेरे सिंहासन पे बैठेंगे. Now you know which age. अब आप जानते कौन सा युग. My hallelujah. Amen, amen. It's not just a name, church. ये केवल नाम ही नहीं है कलीसिया. इट्स अ पार्ट. ये एक हिस्सा है. आमेन. लेट्स सी सम अदर पार्ट्स ही लॉस्ट. आइए हम देखते हैं कुछ और हिस्सा जो कि उसने खोया. दैट हैज बीन इन ईडन द गार्डन ऑफ गॉड. तू खुदा की अदन नामक बारी में था. एवरी प्रेशियस स्टोन वॉज दाय कवरिंग. हर एक आभूषण तेरा ओढ़नी थी. व्हाट हैपेंड? वेयर डिड दोज स्टोन्स गो? क्या वो पत्थर कहां चले गए? Where did those 12 stones go? Amen. वो 12 पत्थर कहां चले गए? Where did the rainbow go? ओ मेघधनुष कहां गया? You see? आप पाएंगे. He lost his part. उसने अपने हिस्से को खो दिया. Amen. Amen. And that part went to somebody else. और वो हिस्सा किसी और के पास चला गया. He lost. Oh, let me show you something. उसने मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा. एवरी प्रेशियस स्टोन वॉज दाय कवरिंग. हर एक कीमती पत्थर तेरी ओढ़नी थी. द सार्डियस टोपाज एंड डायमंड द बेरिल द ऑनिक्स द जैस्पर द सैफायर द एमराल्ड कार्बंकल एंड गोल्ड. वेयर डिड इट ऑल गो? ऑन द चेस्ट ऑफ द हाई प्रीस्ट. मणिक पदराग हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नील मणि मरकज और लाल और सोना ये सब कहां गए? उस महायाजक की छाती पे. Who always went with blood. जो हमेशा लहू के साथ जाता था. Amen. Now you can't have those stones without the blood. अब आपके पास वो पत्थर बिना लहू के नहीं हो सकते. My. Amen. And they are not the stones. और ये केवल पत्थर नहीं है. They are representations. ये प्रतिनिधित्व है. Of some people. कुछ लोगों के. That means those stones are some people. इसका मतलब वो लोग, वो पत्थर कुछ लोग हैं. That's the Urim and Thummim. वही उरीम और थुमीम है. Which show the seven-colored rainbow. जो कि सात रंग वाला मेघधनुष दिखाता है. Can I read, Father?
और आइए आगे पढ़ेंगे. The workmanship of that tablets and of that pipes was prepared in thee in the day that thou was created. और डफ और बांस लिया तुझी में बनाई गई थी. Yes. जिस दिन तू सिर जा गया था. That music was put in you. वो संगीत तुझ में डाला गया था. He lost his part. उसने अपने हिस्से को खो दिया. So he perverted it to rock and roll. तो उसने उसको बिगाड़ के रॉक एंड रोल बना दिया. Then God prepared another one. फिर खुदावन ने एक और को तैयार किया. With a new song. एक नए गीत के साथ. Hallelujah. With a new song. एक नए गीत के साथ. For thou art worthy. क्योंकि तू योग्य है. To receive all glory and honor and power. ताकि हर एक महिमा और एक आदर और शक्ति को प्राप्त करे. You see, आप पाएंगे. Angels cannot sing that. दूत इस गाने को नहीं गा सकते. They can never. वो कभी नहीं गा पाएंगे. But some sons and daughters can. पर कुछ बेटे और बेटियां गा सकते हैं. Amen, amen. That fallen music became one day a Babylonian music. वो गिरावा संगीत म्यूजिक जो है एक दिन बाबुल का संगीत बन गया. Which you'll find in the book of Daniel when they Nebuchadnezzar made that image. जिसको आप डेनियल किताब में पाएंगे जब नबूकदनज़र ने उस मूरत को बनवाया. And he allowed that music to be played. और उसने अनुमति दी कि वो तमाम और वो म्यूजिक और संगीत वो तमाम चीजें बजाई जाए. Did you realize? क्या आपने इस बात को समझा? Worship of the image was connected to a music. उस मूरत की उपासना एक धुन एक म्यूजिक के साथ एक संगीत के साथ जुड़ी थी. The commandment said, आज्ञा ने ये कहा था, When you hear the sound of the cornet, dulcimer and all these tabrets, then bow before that image. आज्ञा ये निकली थी जब तुम उन तमाम बांसुरी और तमाम ढोल और हर एक चीज को उन तमाम संगीत की वादों को सुनो तो तब तुम इस मूरत के आगे झुकना. एंड थ्री यंग बॉयज सेड और तीन जवान लड़कों ने कहा, वी विल नॉट बाउ टू दैट म्यूजिक एंड दैट इमेज. हम उस संगीत और ना ही उस मूरत के आगे झुकेंगे. वी आर रेडी टू डाई. हम मरने के लिए तैयार हैं. देन केम द फोर्थ वन. तब आया चौथा. आमेन. Now he was not in a laptop. अब वो एक लैपटॉप में नहीं था. The real person. वो वास्तविक शख्सियत. He was not just in a laptop. वो केवल एक लैपटॉप में नहीं था. He was not just in a picture. वो एक तस्वीर में नहीं था मात्र. The very person. वो वास्तविक शख्सियत. The mighty angel. ओ जोरावर बलि स्वर्गदूत. Step down. नीचे कदम अमार के आ गया. With those three boys. उन तीन लड़कों के साथ. You took my part. तुमने मेरा हिस्सा लिया मेरी. Now you'll be part of the heavenly music. तुमने मेरा पक्ष लिया अब तुम उस स्वर्गीय म्यूजिक का हिस्सा बनोगे. Which Lucifer lost. जिसको लूसीफर ने खोया. Getting the point. क्या आपको बात समझ में आ रही है? So his tablets and his music became a perverted music. तो उसकी बांसुरी और तमाम चीजें उसका संगीत बिगड़ा हुआ संगीत बन गया. From which he does some other things. जिसके द्वारा वो कुछ और विभिन्न चीजें करता है. Which you heard in the preview of the bride. जिसको आपने दुल्हन के प्रीव्यू में सुना है. But now the point is. पर अब बात ये है. Then where was that original general genuine music gone? तो फिर वो मूल जो वास्तविक संगीत था वो कहाँ चला गया? That tune which was played when the sons of God shouted for joy. Amen. वो संगीत वो ट्यून जो बजाई गई वो धुन जो बजाई गई जब भोर के तारे खुदा के पुत्र आनंद से चिल्लाते और गाते थे. One person expressed somewhat of that music. एक शख्सियत था जिसने उसका कुछ अंश प्रदर्शित किया प्रकट किया. And devil hated him. और शैतान उसे घृणा करता था. Because that half was made in him. क्योंकि वो जो वीणा थी वो उसमें बनाई गई थी. But now David is playing it. पर अब दाऊद उसे बजा रहा है. And when he plays, और जब वो बजाता है, the angels of Lucifer leave Saul. जो लूसीफर के दूत हैं, yeah. शाऊल को छोड़ देते हैं. He received that part. उसे वो हिस्सा मिल गया. Such music. ऐसा संगीत. That brings down the Holy Ghost. जो कि पवित्र आत्मा को लेके नीचे आ जाए. Such music. ऐसा संगीत. That casts away demons. जो कि दुष्टात्मा को निकाल दे. Today I would say. आज मैं कहूँगा. Where did that song go? वो गीत कहाँ चला गया? Which he lost. जो उसने खोया. I read further. मैं आगे पढ़ूंगा. Verse 14. चौदहवीं आयत. Thou art the anointed cherub that covereth. तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था. You are that anointed cherub. तू वो अभिषिक्त करूब था.
He lost that anointing. उसने उस अभिषेक को खो दिया. Where did that anointing go? वो अभिषेक कहाँ चला गया? Oh church. ओ कलीसिया. Then when that same Holy Ghost. तो फिर वो जब वो ही पवित्र आत्मा came on the day of Pentecost. Pentecost के दिन आया. Over 120. 120 के ऊपर. And they spoke in tongues. और उन्होंने गैर जुबानें बोली. And they worshipped God. और उन्होंने खुदा की उपासना की. Did Lucifer love such a meeting? क्या लूसीफर ऐसी मीटिंग को पसंद करेगा? That was a worship I used to do. ये तो उपासना मैं करता था. And God smiles at him and says. और खुदा मुस्कुरा के उसकी ओर देख के कहते हैं. Remember. याद रखो. You lost it. तुमने उसे खो दिया है. Now they get it. अब उन्हें मिलेगा. My. Amen. Now you can never sing in that spirit. अब तुम कभी भी उस आत्मा में नहीं गा पाओगे. But they can. पर ये गा पाएंगे. When they sing in midnight, जब ये मध्यरात्रि में गाएंगे, it will break the prison doors. ये कब कैद खाने के दरवाजों को तोड़ देगा. It will set the captives free. ये बंदियों को आजाद कर देगा. Amen. No matter how much you beat them, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इन्हें कितना मारो. You can't take that anointing from them. तुम उस अभिषेक को उनसे कभी नहीं छीन पाओगे. You can't beat out that Holy Ghost. तुम पवित्र आत्मा को पीट पीट के उनमें से बाहर नहीं निकाल पाओगे. And that's why those Negro slaves in America. और ऐसे ही थे वो काले वो गुलाम जो कि अमेरिका में थे. Some of them received the Holy Ghost. उनमें से कुछ को पवित्र आत्मा मिला. And when they were playing that music. और जब वो संगीत को बजा रहे थे. Later on. बाद में. Became a platform. वो एक मंच बना. That came a man called William Seymour. जिसमें से एक आदमी निकल के आया. उसका नाम William Seymour था. And his attention came to Joel. और उसका ध्यान आकर्षित हुआ योएल नबी की किताब में. And to that prophecy. और उस नबुवत की ओर. I'll pour out my spirit. मैं अपने आत्मा को उंडेल लूँगा. And Acts chapter 2. और प्रेरित दूसरे अध्याय में. When they were all with one accord. जब एक मन एक चित थे. What happened next? क्या हुआ अगली चीज? Today's history. आज ये इतिहास है. But you know what? पर आप जानते हैं क्या? Not William Seymour. ये William Seymour नहीं. But later on those other people. पर बाद में आने वाले लोग. When they denominated. जब वो संस्थागत हो गए. They lost their part. उन्होंने अपने. My God bless you. उन्होंने अपने हिस्से को खो दिया. Wesleyans lost their part. वेस्ली मत वाले लोग जो थे उन्होंने अपने हिस्से को खो दिया. Lutherans lost their part. लूथरनों ने अपने हिस्से को खो दिया. What did they lose? उन्होंने क्या खोया? Justification. धर्मी ठहर जाना. They lost sanctification. उन्होंने पवित्रीकरण खो दिया. Where will that go now? अब वो कहां जाएगा? My. Hallelujah. Then came somebody to preach the lost parts. तब फिर कोई आया खोए हुए भागों को प्रचार करने के लिए. What they left. जो कुछ उन्होंने छोड़ा था. Hallelujah. Amen. And he preached those mysteries. और उसने उन भेदों का प्रचार किया. Hallelujah. To bring that bishopric. ताकि उस अगुवाई के पद को ले. To bring that part. उस हिस्से को लेके आए. In the last days. अंत के दिनों में. To some people. कुछ लोगों के पास. Who belong to that cloud. जो कि इस बादल के अपने हैं. Amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. You are today manifesting what somebody lost. आप उस चीज को प्रकट कर रहे हैं आज जो किसी ने खोई थी. You are the fullness. आप परिपूर्णता हैं. Thank you Jesus. You are the perfect. आप सिद्ध हैं. The word is perfect. वचन सिद्ध है. But there is a bride who's become the word. परंतु एक दुल्हन है जो वचन बन चुकी है. Under the blood. लहू के नीचे. Definitely Lucifer lost his anointing. पक्की बात है लूसीफर ने अपने अभिषेक को खो दिया. In the part. और अपने हिस्से को. And have said this so thou wast upon the holy mountain of God. मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू खुदा के पवित्र पर्वत पर रहता था. Now who goes to the mountain of God? अब कौन खुदा के पर्वत पे जाता है? A man called Moses. एक आदमी जिसका नाम मूसा है. To talk with God. ताकि खुदा से बातचीत करें. And Lucifer doesn't like it. और लूसीफर को अच्छा नहीं लगता. That's why he fights with Michael. इसलिए वो मिकाएल से लड़ता है. Where is he? कहाँ है वो? He's not come till now. वो अभी तक नहीं आया. Last time I saw him. पिछली दफा मैंने उसे देखा था. Last I saw him. आखिरी जब मैंने उसे देखा. He was standing on that rock. वो उस चट्टान पे खड़ा था. Where has he gone? वो कहाँ चला गया? Where has he gone? कहाँ चला गया वो? But you see, पर आप देखेंगे, lost his part. उसने अपने हिस्से को खो दिया था.
Thou wast on the mountain of God. तू खुदा के पवित्र पर्वत पे था. Where the anointing of God was there. जहाँ पर खुदा का अभिषेक था. Today, New Jerusalem is the Mount of God. आज नया यरूशलम खुदा का पवित्र खुदा का पर्वत है. New Jerusalem. नया यरूशलम. Some people. कुछ लोग. Some names written in heaven. कुछ नाम जो स्वर्ग में लिखे हैं. Amen. They got that part. उन्हें वो हिस्सा मिला. Now they climbed that mountain. अब ये चढ़ गए उस पहाड़ पे. What's the attraction on this mountain? क्या आकर्षण है इस पहाड़ पे? Amen. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. तू ऊपर नीचे चला है उस तू आग के सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था. जिनमें अब कुछ और चलेंगे. Amen. Some others will walk amongst diamonds. कुछ और हैं जो कि उन हीरों के बीच में चलेंगे. Walk in a city which shines like jasper. एक ऐसी नगरी में चलेंगे जो यशब की मानहिन उज्जवल है. Clear as crystal. बिल्लौर के समान चमकदार साफ है. They never lost their part. उन्होंने कभी भी अपने हिस्से को नहीं खोया. Amen. But these lost their part. पर इन लोगों ने इसने अपने हिस्से को खो दिया. Oh brother. Oh मेरे भाई. The blessed parts these left. ये मुबारक हिस्से जो इन लोगों ने छोड़े. Let me show you something else. You know it. मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा. आप जानते हैं. Esau lost his birthright. Esau ने अपने अपने पहलौठे के हक को खो दिया. But Jacob never lost it. पर याकूब ने कभी उसे नहीं खोया. It looked. ये ऐसा लगा. It doesn't belong to him. ये उसका है नहीं. And God had said. और खुदा ने कहा था. Elder shall serve the younger. जो जेठा है वो छुटके का दास होगा. For a long time it looks. बहुत समय तक ये लगता है. Esau is the beloved one. Esau ही तो वो अति प्रिय है. And Esau has the birthright. और Esau के पास ही वो पहलौठे का हक है. God said. खुदा ने कहा. Watch my switchover. मेरे पासा पलटे जाने को देखना. स्विच ओवर को देखना. That's what I'm preaching tonight. My subject, switch over principle. यही मेरा विषय है आज रात्रि का. स्विच ओवर का सिद्धांत. He's changing the circuit. वो सर्किट को बदल रहा है. By his cross keys. अपनी क्रॉस कीज के द्वारा. Cutting the current from this one and joining it this one. जो जो करंट बह रहा है इस रास्ते से उसे काट दिया और उसे दूसरी तरफ से जोड़ दिया. दूसरी जगह है वो. जहां करंट नहीं था वहां करंट है. Amen. जहां करंट था आज वहां करंट नहीं है. Yes. Somebody lost it. किसी ने उसे खोया. And this is God's switchover principle. और ये खुदा का switchover सिद्धांत है. It's, the Bible is full of such. Bible इससे भरी हुई है. He lost his birthright. उसने अपने पहलौठे के हक को खो दिया. Lutherans lost their birthright. लूथरनों ने अपने पहलौठे के हक को खो दिया. Wesleyans, Pentecostals, they lost it. वेस्लियनों ने और पेंटिकॉस्टलों ने उसे खो दिया. Then who gets it? तो फिर किसे मिलता है ये? The bride doesn't just get tongues. दुल्हन को केवल गैर जुबानें नहीं मिलती. She gets the giver. उसे देने वाला मिल जाता है. Amen. Yes. And they lost the giver. और उन्होंने देने वाले को ही खो दिया. Getting it? क्या आपको समझ में आ रहा है? Somebody lost their part. किसी ने अपने हिस्से को खोया. और हंसते हंसते खोया. Yes. दुख मनाते रहे मेरे से हिस्सा कैसे खो गया. नहीं, बहुत खुश है. ये तो अलग बात है कि बाद में रोया कि मेरे पास चला कैसे गया. मैंने किस बुद्धि में ऐसे काम कर दिए. खुदा ने कहा अब तो देर हो गई. अब तो जो था देर क्या हो गई. तो खैर बिनालम से पेशतर स्विच ओवर खुदा के दिमाग में था, मन में था. There will be some third category people. कुछ होंगे तीसरी श्रेणी के लोग. Who will lose their part. जो अपने हिस्से को खोएंगे. And some. और कुछ. Whose names will be transferred. जिनके नाम स्थानांतरित हो जाएंगे. To another section. एक और भाग में. Which can never be cut. जो कभी काटे नहीं जा सकते. Those in lamb section will say, "Cut my name," and God says, "I can't." जो, amen. जो मेमने वाले हिस्से में है वो खुदा से कहेंगे हम मेरे नाम को काट दो आप. पर खुदावंद कहेंगे नहीं मैं नहीं काट सकता. I can't. मैं नहीं काट सकता. Hallelujah. What I have blessed. जिस चीज को मैंने एक बार आशीष दे दी है दे दी है. I can never change my mind. मैं अपने मस्तिष्क को कभी बदल नहीं सकता. About my word. अपने वचन को लेके.
Read those messages, brother. उन संदेशों को पढ़िए मेरे भाई. Tiebreaker messages. ओ बहुत ही tiebreaker संदेश हैं. They are, yes. वो I हैं. Can never forget them. ये हैं, मैंने कभी भूल नहीं सकता. How can I forget Zion? मैं कैसे सय्योन को भूल सकता हूँ? He can never. कभी नहीं भूल पाऊंगा. Throughout Bible you find. पूरी बाइबल में आप ये पाते हैं. For Zion's sake, I will not hold my peace. सय्योन के कारण से मैं अपने आप को शांत नहीं रखूंगा. If I forget Zion. अगर मैं सय्योन को भूल जाऊं. Then let my tongue cleave to my palate. वैसा हो मेरी जुबान तालू से चिपक जाए. God is saying such a word. खुदावन ऐसी बात कह रहे हैं. Because he can never forget Zion. क्योंकि वो कभी भी सय्योन को भूल नहीं पाएंगे. No, he cannot. नहीं, कभी नहीं. There are some. कुछ हैं. Whose names can never be cut. जिनके नाम कभी काटे नहीं जा सकते. Let me say it in a plain word. मैं आइए साफ-साफ शब्द में कहूँ. There are some in this room who are very lucky. कुछ हैं इस कमरे में जो बहुत ही लकी हैं, भाग्यशाली हैं. Amen. It looks you are too lucky. ये ऐसा दिखता है कि आप बहुत लकी हैं. Whatever it is, I am. जो कुछ भी बात है, मैं तो हूँ. Yes. Amen. There are some. कुछ हैं. Who fall 10 times. जो 10 दफा गिरते तो हैं. And they are still righteous. और तब भी धर्मी हैं. And there are some. और कुछ हैं. Who only do one wrong. जो केवल एक गलती करते हैं. And they are punished severely to the extent they are taken out. कि वो इस हद तक के उनको सजा मिल जाती कि वो हटा दिए जाते हैं. And there are some. और कुछ हैं. Who do a similar mistake. जो ऐसे ही समान गलती करते हैं. Not that, of course. बेशक वो नहीं जो वो करते हैं. But something of that kind. पर उसी किस्म की. And they fall 10 times a day. और वो 10 दफा दिन में गिरते हैं. They are very lucky. बहुत भाग्यशाली हैं. Amen. Yes. Very lucky people. बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं. They have some blood. उनके पास कुछ लहू है. Yes. जी हाँ. When you go to the office tomorrow, say I am very lucky. जब आप कल ऑफिस जाएं, तो ये कहिएगा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ. When you go to your school, tell your fellow students, tell your teachers, tell your friends, tell your boss. You know, boss, I'm very lucky. जब आप कल स्कूल जाएं या आप जाएं तो अपने फेलो स्टूडेंट्स को, अपने बॉस को, अपने टीचरों को, सबको बताइए कि मैं, आप जानते हैं, मैं बहुत लकी हूं. बॉस सेज, आज देखता हूं तेरी लक का क्या होता है, तो आज नौकरी से निकालता हूं. वो कहता है मेरी तो लक और शाइन कर गई सर. यस. अगर आपने निकाला नहीं होता तो मुझे ये नहीं मिलता. आमेन. दैट्स ट्रू. हालेलुया. इट्स अ फैक्ट. आमेन. It's a fact. ये बात सत्य है. कुछ लोग बहुत लकी हैं. Yes. Amen. And there are some. और कुछ हैं. Who do one fault. जो एक गलती कर देते हैं. And they're taken out. और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है. And they're not given even a chance for repentance. और उन्हें यहाँ तक कि तौबा का अवसर भी नहीं मिलता. You see. आप पाएंगे. They were foreknown to be cast away. वो पहले से जाने गए. कि वो हटा दिए जाएंगे. आज फोर नॉलेज के दो मतलब निकल चुके हैं. Yes, amen, amen. They are predestinated to be cut. वो पहले से ठहराए गए हैं काटे जाने के लिए. कितनी अजीब बात है. थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि समय चल रहा है. यार कौन भी, किसी का नंबर कभी भी आ सकता है. पता नहीं खुदावन के दिमाग में क्या था कि ये इस लेवल तक जाएगा, उसके बाद कट जाएगा. लेकिन खुदावन का धन्यवाद, कुछ हैं पहले सेक्शन में जो कभी नहीं कट सकते. यस. धन्यवाद. कभी नहीं है. आमीन. देयर पार्ट नो मैन टेक इट फ्रॉम देम. उनका हिस्सा कोई मनुष्य ले नहीं सकता उनसे. आमीन. बट दीस वंस, पर ये जो हैं, एड एंड सबट्रैक्ट, जो जोड़ते हैं घटाते हैं, आई टेक देयर पार्ट. पार्ट, आई रिपीट दैट वर्ड, पार्ट From the book of life. मैं उनके हिस्से, उनके भाग, मैं इस शब्द को दोहराऊंगा, उनके भाग को जीवन की पुस्तक से निकाल दूंगा. From that city. उस नगर से निकाल दूंगा. The book of life is connected to a city. जीवन की पुस्तक एक शहर से जुड़ी है. Let me go one step ahead. आइए एक कदम मैं और आगे जाऊंगा. In verse 19. 19वीं आयत में. I'll take away his part out of the book of life. मैं उसके हिस्से को जीवन की पुस्तक में से निकाल दूंगा. एंड आउट ऑफ द होली सिटी, और उस पवित्र नगर में से. एंड फ्रॉम द थिंग्स विच आर रिटन इन एनी बुक, इन दिस बुक. विच बुक? और उनके. ओके, यू रीड द होल वर्स. यस.
और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा. जीवन का वृक्ष दिखा जी, यहां बुक ऑफ लाइफ कर दिया, इंग्लिश में ट्री ऑफ लाइफ कर दिया. भाई आप बताइए मैं क्या करूं. ये मेरी एक बड़ी परेशानी है अच्छे ट्रांसलेटर को लेके. एंड इफ एनी मैन शैल टेक अवे फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द बुक ऑफ दिस प्रोफेसी गॉड शैल टेक अवे हिज पार्ट. यहां तक तो हम देख चुके आउट ऑफ द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक में से भार उसके हिस्से को निकाल दूंगा. निकाल दूंगा अभी थोड़ी देर में. अभी आज तो ये पॉइंट आया ही नहीं. ये जीवन की पुस्तक एक किताब थी जिसपे सात मोहरें लगी थी. आमेन. यस. इस पॉइंट पे तो अभी हम आए ही नहीं है. मालूम आज एक शिक्षा चल रही है, जीवन की किताब अलग है, मोहरों की किताब अलग है. ये अब हमारा सब्जेक्ट होगा कि हम देखें कि ऐसा है या कुछ और है. खुदा रहम करें. आमेन. God shall take away his part out of the book of life. खुदावन उसके हिस्से को जीवन की पुस्तक में से निकाल देंगे. And out of the holy city. और पवित्र नगर में से. You see, he's losing his part from three places. आप पाएंगे वो अपने हिस्से को तीन जगहों से खो रहा है. From the book of the life. जीवन की पुस्तक में से खो रहा है. From the holy city. पवित्र नगर में से खो रहा है. And from the things which are written in this book. और उन बातों में से, उन चीजों में से जो इस पुस्तक में लिखी हैं. कौन सी पुस्तक में से? रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से. विच गॉड लेट जॉन राइट, जिसको खुदा ने यहुन्ना को लिखने दिया. देर आर सर्टन थिंग्स रिटन इन दिस बुक, कुछ खास चीजें हैं जो इस पुस्तक में लिखी हैं. विच आर ब्लेसिंग्स, जो मुबारकबादियां हैं. आमेन. विच आर प्रोफेसीज, जो नबूवतें हैं. Which are some fulfillments. जो कुछ पूर्तिकरण है. These people. ये लोग. Who subtract from the words. जो उन वचनों से, उन बातों से काटते हैं. They lose their portion from this book. वो अपने हिस्से को इस पुस्तक में से खो देते हैं. They lose their rewards of the church ages. वो कलीसिया काल के जो प्रतिफल फल हैं, उनको खो देते हैं. अब आएगा पॉइंट. To him that overcometh. वो जो जय पाए. I'll give to eat from the tree of life. मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा. He misses that. वो उसे खो देगा. I'll give him a white rock. मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा. On which there's a new name. जिसके ऊपर एक नया नाम है. He loses that part. वो उस हिस्से को खो देगा. I'll make him a rod of iron. मैं उसे लोहे का एक राजदंड बनाऊंगा. And he shall rule. और वो राज करेगा. He loses that part. वो उस हिस्से को खो देते हैं. I'll make him a pillar. मैं उसे खंभा बनाऊंगा. I'll write upon him a new name. मैं उस पे नया नाम लिखूंगा. He loses that part. वो उस हिस्से को खो देगा. He shall sit with me on my throne. वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पे बैठेगा. As I sat with my father. जैसा मैं अपने पिता के साथ सिंहासन बैठ गया. He loses that part. वो उस हिस्से को खो देगा. Amen. Are you getting something? क्या आपको कुछ बात समझ में आ रही है? He loses that worship. वो उस उपासना को खो देगा. Which is in Revelations 5. जो कि प्रकाशित वाक्य 5 की है. He can't make it to that group. वो उस झुंड पे पहुंच नहीं पाएगा. Blessed and holy is he that's partaker of the first resurrection. मुबारक और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है. He will lose his part in that rapture. वो अपने हिस्से को उस रैप्चर में खो देगा. He lose his part in shout. वो अपने हिस्से को ललकार में खो देगा. He lose his part in the voice. वो अपने हिस्से को प्रधान दूत के शब्द में खो देगा. मैं जानबूझ के बोल रहा हूं साहब. He lose his part in the trump. वो अपने हिस्से को खुदा की तुराई में खो देगा. Then there's someone who has gained that part. पर फिर कोई है जिसने उस हिस्से को पा लिया है. Amen. Yes. स्वाभाविक रूप से गलत थे, गंदे थे, दुष्कर्म करते थे, मूर्ति पूजक थे, आज उस पार्ट को लेके बैठे हुए हैं. Amen. Hallelujah. Yes, listen. Things which are written in this book. चीजें जो इस पुस्तक में लिखी हैं. The marriage of the Lamb is come. मेमने का ब्याह आ पहुंचा है. There some people who lose their part in that marriage. कुछ हिस्सा है, कुछ लोग हैं जो अपने हिस्से को शादी में खो देते हैं. They were invited. उन्हें न्योता तो दिया गया. But they couldn't come. पर वो आ नहीं पाए.
Yes. Then those seats had to be filled. फिर उन कुर्सियों को भरा जाना था. You see, everywhere you can see this switchover. आप पाएंगे हर जगह आप इस switchover को देखते हैं. Now call them from highways and hedges. अब उन्हें बुलाओ राजमार्गों से और पगडंडियों से. And this sudden servant at supper time made three poles. और ये खास दास सांझ के समय के भोजन के समय उसने तीन खिंचाव किए. And the third pole, और वो तीसरा खिंचाव जो था, makes the seats complete. उन कुर्सियों को भर देता है. Are you understanding? Yes. क्या समझ रहे? Some who fill the seats of those who didn't come. वो कुछ हैं जो उनकी कुर्सियों को भरते हैं जो इनको पहले नहीं होता दिया गया था पर आए नहीं थे. जी हाँ. जैसे हिंदी में कहते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम. बनाया था खाना किसके लिए, खाया किसने. Yes. बहुत साल पुरानी बात है. एक खाना बनाया था मैंने. चलिए मैं खैर बोलता हूं. मैंने खाना बनाया था बड़े दिल से. Yes. उस टाइम मैं MBBS का शायद सेकेंड ईयर में था. कुछ लोगों के लिए कारण कुछ बने. उसका मैंने चार्ट तैयार करवाया था. मुझे आज याद है. खुदावन का धन्यवाद हो. मैं कोई बड़ा धार्मिक नहीं लेकिन खुदावन ने रहम किया प्रेरणा युक्त होके. जिसका ताल्लुक डैनियल 70 सप्ताह डैनियल की किताब और प्रकाशित वाक्य को लेके था. सच है खुदा ने मेरी मदद करी. बाइबल खकोड़ी गई और क्या क्या चीजें खुली उन दिनों में. वही टाइम था जब मेरी अधिकतम किताबें रंगी गईं. प्रभु ने बड़ी तगड़ी प्रेरणा उन्हें ली थी. एक खाना तैयार किया. जो खाना मैं तैयार करके पैक करके कहीं ले जा रहा था वहां जाना हुआ ही नहीं. फिर भाई लाल ने कहा दिल्ली में अब हम चाहेंगे कि ये मीटिंग्स यहां हों. मीटिंग्स फिर अब यहां हुई तो परोसा गया तैयार किया गया खाना यहां परोसा गया. और वो खाना आज तक असर लाता है. ऐसे सिद्धांत ऐसी चीजें जो पहले ना सोची ना समझी. खुदावन जानते हैं कि ये भोजन किसके लिए है. ऐसी ये मोरों की किताब प्रचार करवाई. एक पुलाव है बिरयानी सतरंगी. क्या मालूम सतरंगी बिरयानी भी होती है. एक बनती है. मैं देखिए तो मैं इसे सतरंगी बिरयानी बोलूंगा. बहुत ही लजीज खाना खुदा ने 7-course मीनू का तैयार करवाया. लेकिन जिनके लिए था उनने कहा हम तो मिल रहे हैं कैथलिक्स के साथ. हम तो ला रहे हैं बेदारी डिनोमिनेशंस में. कोई कुछ और कोई कुछ और कोई कुछ और कोई कुछ और. तब सेवक ने कहा क्या ये जीवन वर्दी हैं गॉस्पल के. क्या ये जीवन वर्दी हैं खाने के. ये है मैसेज. ये पुलाव जो आया है इसके वर्दी ये हैं. ये है मैसेज. इज योर लाइफ वर्दी का मतलब क्या इस डेगची में जो पड़ा है इसके लायक हो तुम क्या. तब वो भरी डेगची जिसे ठुकराया एक पीढ़ी ने सूली पे चढ़ाया अलग अलग कारणों के कारण जो भी हों वो भरी डेगची कहीं और पहुंची. वो लालटेन कुछ हिंदुस्तान भी आई. ताकि उसमें से आप और मैं खाएं. क्या आपको नबी का दर्शन याद है माउंटेन ऑफ द ब्रेड ऑफ लाइफ का जिसे कुछ लोग खा रहे हैं अलग अलग वेशभूषाओं के अलग अलग जगहों के. वो उस भोजन को खा रहे हैं. अपने नहीं खा रहे. अपने अमेरिका नहीं खा रहा. तो ये भोजन गया 7 समुंदर पार कहीं और जिन्हें कुछ और खा रहे हैं. मेज में भी किसी का हिस्सा था जो उसने खो दिया.
He lost his part. उसने अपने हिस्से को खो दिया. Somebody got that part. किसी को उस हिस्सा, वो हिस्सा मिल गया. I'm finishing and we can just go on, but I'd like to share one statement, then we'll finish the meeting today. मैं एक वाक्य को हम आगे बढ़ सकते हैं, पर एक वाक्य बोल के खत्म करूंगा. When communion was being served, जब प्रभु भोज सर्व किया जा रहा था, Judas got up. यहूदा स्क्रूति उठा. Satan entered him. शैतान उसमें घुस गया. He left his seat. उसने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया. And he left. और वो चला गया. Who fills that seat? कौन उस कुर्सी को भरता है? At communion table. प्रभु भोज की मेज पे. Whom the Lord chooses. जिसको प्रभु चुनेंगे. And the one whom Lord chose said. और जिसको प्रभु ने चुना उसने कहा. I have received of the Lord. मैंने प्रभु से ये पाप प्राप्त किया है. The same night that he was betrayed. उसी रात जब जिस दिन वो जिस रात को पकड़वाया गया. That he took bread. कि उसने रोटी ली. And he blessed it. और धन्यवाद करके तोड़ी. That he took the cup. और फिर उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया. Now who takes that seat? अब ये कुर्सी कौन लेता है? Not a betrayer. एक फरेबी नहीं. But who gave his head? पर उसने जिसने अपना सर दे दिया. Became a martyr. और एक शहीद बन गया. For Christ. मसीह का. Somebody lost that part. किसी ने उस हिस्से को खोया. At the Lord's table. प्रभु की मेज पे. Somebody else got it. और किसी और को वो हिस्सा मिल गया. David didn't like lame and halt and maimed people. दाऊद को लंगड़े लूले और कुछ फाले जैसे लोग पसंद नहीं थे. But you know. पर आप जानते हैं. Jonathan had a son. योनाथन का एक बेटा था. And Jonathan was a very close friend of David. और योनाथन बहुत ही करीबी मित्र था दाऊद का. And his name was Mephibosheth. You और उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम Mephibosheth था. And he was lame. और वो लंगड़ा था. But when he used to sit at that table. पर जब वो उस मेज पे बैठता था. And the table cloth was spread. और उस मेज का जो कपड़ा बिछाया जाता था. His lameness was hidden. उसका लंगड़ापन छुप जाता था. But you know what? पर आप जानते हैं क्या? Today you are called to a better table. आज आप एक बेहतर मेज पे बुलाए गए हैं. Where he doesn't cover sins. जहाँ पर वो पापों को ढांपता ही नहीं. He just wipes them away. वो ठीक उन्हें वजूद से हटा देता है, मिटा देता है. As you people were singing. जैसे आप लोग गा रहे थे. As we share. जैसा कि हम शरीक होते हैं. In this cup. इस प्याले में. In this bread. इस रोटी में. What does it mean? इसका मतलब क्या है? We have a part. हमारा एक हिस्सा है. My. We have a part. हमारा एक हिस्सा है. We got it by switch over. हमें ये स्विच ओवर के माध्यम से मिला. Thank God for the switch over. खुदा का धन्यवाद हो एक स्विच ओवर के लिए. In the last days. अंत के दिनों में. Some. कुछ. जिनके लिए नहीं था. Yes. उन्हें मिल गया. रोमियो 11 में क्या लिखा है? Amen. जिनके लिए था उन्हें नहीं मिला. Yes. और जिनके लिए नहीं था, जिन्होंने मुझे ढूंढा भी नहीं. Yes. Amen. उन्होंने मुझे पा लिया. ओ ब्रदर, ओ भाई. सम नेम्स गॉट कट. कुछ नाम काट दिए गए. Why? क्यों? Now you understand something. अब आप समझेंगे कुछ बात. Why are the names cut? क्यों नाम काटे जाते हैं? God had distributed portions from the beginning. खुदावन ने तो हिस्से पहले से बांट दिए थे. But why did he cut some? पर कुछ नाम क्यों काटे? Because he said one verse. क्योंकि उन्होंने एक आयत बोली. He that hath to him more shall be given. Amen. वो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा. और कहां से लाए? सब तो बांट चुका. Oh hallelujah. Amen. Yes. तो इसका काटा. Yes. और उसका इसको दिया. My, hallelujah. और अगली लाइन कहती है जिसके पास है उसे वो भी ले लिया जाएगा. Amen. You read that. आप इसे पढ़ें. आपने उसे पढ़ा होगा. This is scripture. ये आयत है, वचन है. God bless you. खुदा आपको बरकत दे. Go home blessed. वापस जाइए आशीषित होके घर. And to all who have heard this meeting. और उन सब को जिन्होंने इस मीटिंग को सुना है. May you all, may we all be blessed. ऐसा हो कि हम सब आशीषित हों. We didn't deserve anything. हमने कुछ deserve नहीं किया. Why little Bethlehem? हे छोटा छोटा Bethlehem क्यों? This part should have been somewhere else. ये हिस्सा तो कहीं और होना चाहिए था. But God gave us a better part. पर खुदावन ने हमें उत्तम भाग दिया है. Which shall not be taken from them. जो उनसे लिया नहीं जाएगा. Thank you. Now can you understand the meaning of these verses? अब क्या आप समझ पा रहे हैं इन आयतों का मतलब? Amen. She has chosen a better part. उसने एक उत्तम भाग चुन लिया है. Which cannot be taken from her. जो उससे लिया नहीं जा सकता. Hallelujah. Glory.
Amen. And there are some और कुछ हैं whose part is removed. जिनका हिस्सा हटा दिया गया है. So it's not just the removal of a name. तो ये केवल नाम का हटाया जाना नहीं, काटा जाना नहीं. Is the removal of a part. परंतु ये उसके भाग का, उसके हिस्से का हटाया जाना है. And given to somebody else. और किसी और को दे दिया जाता है ये. Now you got the switch over. अब आपको समझ में आया ये स्विच ओवर, अदल बदल. उन नामों से वैसे भी खुदा का कोई मतलब नहीं था. कुछ समय के लिए उन्हें वो बर्थ पकड़ा दी. Yes. इसको लेके खुश हो और इतना खुश हो फूल जाओ कि फूले समा के कह दो हमें क्या मतलब इस बर्थ से, जो मैं चाहता हूं तुम बोलो. Yes. क्योंकि मैं चाहता हूं, मुझे मालूम है तुम करोगे. मैं मेरा नाम भी खुदा है, मुझे मालूम है ये काम तुम करोगे एक दिन. और जिस दिन करोगे मैं बैठा हूं, मेरा ये कैंडिडेट तैयार है इस बर्थ को लेने के लिए. इससे मैंने एक दिन इसको मैं दुगना भाग दूंगा, तुम्हारा तोड़ूंगा उसको दूंगा. Amen. इस युग में तो उसने सातों कलीसिया काल में जो छोड़े गए, क्या कहा रूथ के जमाने में, छोड़ दो ये बटोरेगी. Amen. The parts which is kept for this last day bride. कुछ हिस्से हैं जो कि संत के दिन की दुल्हन के लिए रखे गए हैं. Which others lost. जो बाकियों ने खोया. But she gets it. पर उस दुल्हन को मिला है. We get a better part, brother. उत्तम भाग मिलता है मेरे भाई. My sister. मेरी बहन. Then we should rejoice. तो फिर हमें आनंदित होना चाहिए. As a church of the living God. जीवते खुदा की कलीसिया होने के नाते. अच्छा एक पार्ट और बोलूंगा. एक और पार्ट है. To be caught up alive. कि आप जीवित उठा लिए जाएं. Amen. But there are people who lost it. पर कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको खो दिया. And there are some who will get it. और कुछ हैं जो उसे पाएंगे. Praise God. खुदा की तारीफ हो. Foolish virgins didn't get it. मूर्ख कुंवारी को वो नहीं मिला. But the wise ones did. पर अकलमंदों को मिला. So anyhow, God bless you. Good night. तो खुदावन फिर भी आपको बरकत दे. शुभ रात्रि. God bless you. खुदावन आपको बरकत दे. And meditate on these scriptures. और इन आयतों पे मनन कीजिए. Think on that. इस पे सोचिए. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज शाम की सभा के लिए जिसमें आपने हमें बुलाया. हम तो खुदावन हाफ पैंट पहने लड़के बच्चे हैं जो बाहर अपने आप को रोज गंदा करते रहते हैं. कान पकड़ के हमें आप अपने भवन लाते हैं. चलो इधर. और यहां बैठ के नहलाते हैं, एक फिर अच्छा खाना खिलाते हैं, फिर हम भी कहते हैं बहुत अच्छा लगा. तो आप कहते हैं और तुम भाग रहे थे, तुम तो बाहर थे. हम तो यही हैं खुदावन, बेकार ऐसे ही हैं खुदावन. लेकिन आपका बड़ा धन्यवाद, क्या कर्म की निगाहें आपकी हम पर हुई जो किसी लायक नहीं थे. जैसे तमसील में समझाया गया, वो जो हाईवेज और हेजेज में थे, कहीं पे थे, भीख मांग रहे थे. लेकिन आपका धन्यवाद हो, आपके थे, आपके विचार थे, आपने हमें बुलाया. किसी का भाग उससे छीना, खैर उसके लिए था भी नहीं खुदावन, और वो छोड़ा गया भाग हमें दे दिया. और आज हम उनकी मेहनतों में हैं जो दूसरों की थी. ओ खुदावन आपका कितना धन्यवाद हो. क्या क्या चीजें आज देखी, कैसे कुछ गिराए हुए दूतों ने कुछ खोया, लूसीफर ने खोया जो आपने अपनी दुल्हन को दिया. बेहतर उपासना, वो बेहतर वर्शिप, वो एक स्थान यहोवा के पर्वत पे. फिर दाऊद कहते कौन उस यहोवा के पर्वत पे चढ़ने पाएगा, और उसने फिर वो क्वालिफिकेशंस बताई. धन्य है वो पुरुष, हमने उसके विषय में गीत भी सुना था. ओ खुदावन आपका नाम मुबारक हो. मेरी दुआ है तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें, समय से घर पहुंचें, हर चीज ठीक ठाक पाएं. खुदावन हम रहेंगे वही हाफ पैंट वाले. धन्यवाद हो हमारे कान पकड़ने के लिए. 7 बज गए, चलो. 7:30 बज गए, छोड़ो इस काम को, चलो वहां बैठो. अब मैं तुम्हें कुछ दूंगा वहां पे. खुदा उन आपका धन्यवाद हो इस उत्तम बिरयानी के लिए जो औरों के लिए थी,
लेकिन आपने हमें दे दी। हम आपका हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। हम काबिल नहीं खुदावन, ये तो आपकी माया है, ये तो आपका काम है। आपका नाम मुबारक हो। तौफीक दें, समय से घर पहुंचे, अजीजों को ठीक ठाक पाए, हम सबको अपने लहू में सुरक्षित रखें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटियां हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन।